दोस्तों द आप ट्वेंटी का स्वागत और आज के पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में आज पार्टिसिपेंट्स हैं मिस चित्राक्षी चित्राक्षी यू में प्लीज स्टार्ट। सेड कि अरे यार मेरा तो घर बहुत छोटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है

खड़ा कर हमें अपने पैरों पर अपने सपनों के मुकाम तक पहुंचाती है और अब जब अच्छे गुरु मिल गए हैं तो सदगति तो डेफिनेटली होगी थैंक यू शोच टू स्टार्ट नमस्कार दोस्तों द मैजिक ऑफ थिंग सीजन फाइव का डे नंबर ट्वेंटी सिक्स और अभी तक ये सीजन बहुत ही प्यारा जा रहा है आई थिंक अब तक के सभी सीजन से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आज से पहले जो सीजन थ्री था उसमें सत्रह लाख सत्तर हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड आज इस सीजन पे अभी तक अट्ठारह लाख अस्सी हजार से ज्यादा लोगों का ऑडियंस आ चुका है आई थिंक यू ऑल आर रियली मेकिंग इट सुपर सक्सेसफुल मैं आप सभी को इसके लिए बधाई दूंगा एक बार फिर से और मैं आप सभी को कहूंगा कि देखिए छोटी सी लर्निंग्स हैं छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पूरी तरह से पूरी तरह से हंड्रेड एक्यूरेट है छोटी चीजें जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसीलिए दोस्तों छोटी आदतें बना लीजिए आइए एक और छोटी आदत जो हमने पिछले सत्ताईस दिन सोलह पच्चीस दिन में बनाई है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को सेलिब्रेट करके फिर स्टार्ट करते हैं लेट्स सेलिब्रेट बारी नमस्कार नमस्कार दोस्तों एक बार और एक बार और एक बार और, शेक बार और, शेक और से यस अभी एनर्जी को रोज ऊपर उठाना है उत्साह का जुनून का सेलिब्रेशन का कोई रीजन नहीं होना चाहिए बस हमेशा जुन, जुनूनी होना चाहिए आदमी हमेशा उत्साहित होना चाहिए कहते हैं कि नथिंग ग्रेट कैन एवर बी अचीव्ड विदाउट एंथुजियाजम बिना एंथुजियाजम के कुछ भी बड़ा किया नहीं जा सकता कुछ भी बड़ा नहीं किया जा सकता बिना एंथुजियाजम के इसीलिए इंस, इंसान के अंदर हमेशा एनर्जी होनी चाहिए एंथुजियाजम होना चाहिए जोश होना चाहिए बहुत ही ज्यादा जुनून होना चाहिए ओके okay? एंड मेक श्योर दैट आप में से हर एक व्यक्ति हर रोज उत्साहित रहे कैन कैन यू यू स्माइल स्माइल एट दिस मोमेंट यस एंड आपके पास में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको बोल दीजिए यू रॉक एक बार जो उसके साथ बोल दीजिए या उन्हें बोल दीजिए हाई फाइव दे दीजिए हाई फाइव या उन्हें गले से लगा लीजिए या फिर उन्हें कह दीजिए आई लव यू दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें करने से रिलेशनशिप रिश्ते टीम्स हर जगह पे एनर्जी बनी हुई रहेगी और जहां आप जाएंगे वहां छा जाएंगे मेरा मंत्र है ये जहां जाओ छा जाओ जहां जाओ अपना जलवा दिखाओ लेकिन वही आदमी छा पाएगा जिसने अपने ऊपर काम किया होगा बाहर की चीजों पे काम नहीं अपने ऊपर काम किया होगा कई लोग बहुत कुछ तरक्की कर लेते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में दम नहीं होता कई लोग बहुत तरक्की कर लेते हैं पैसा वैसा कमा लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंटल ग्रोथ होती है और फिर भी वो नहीं जानते कि कैसे लोगों को ज्यादा इंस्पायर किया जाए आप जहां जाए वहां छा जाए आप जहां जाए वहां अपना जलवा दिखाएं दोस्तों आज बड़ा दिल खुश हो गया यू you नो know, ऐसे लगा कि मेहनत सफल हो गई एक बहुत ही प्यारा सा ऑडियो मैसेज आया ओके okay? इस ऑडियो मैसेज को सौरभ इफ आई आस्क यू कैन यू प्ले इट पांच मिनट का है एक्चुअली दैट इज द ओनली रीजन आई एम नॉट प्लेइंग इट मैं एक मिनट में बताता हूं ये ऑडियो मैसेज बहुत सर। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट शालिनी हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट शालिनी का मैसेज आया था ओके okay? शालिनी जी को यूटेरस का कैंसर हो गया था एंड uh, उसके कारण फाइनली उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए पीड़ा होने लगी कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा तो थी मानसिक पीड़ा डर चिंता इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च होना फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ गई परिवार में भी खिंचाव होने लगा कई सारे चैलेंजेस एक साथ आ गए शालिनी जी की लाइफ में एंड यू नो उन्होंने पूरा पाँच मिनट का वीडियो मतलब ऑडियो भेजा है वो ऑडियो मैंने जस्ट आपके प्रोग्राम शुरू होने से सिर्फ दस मिनट पहले ही मैंने उसको देखा क्योंकि पांच मिनट का ऑडियो था मैं दिन भर से काफी बिजी था तो मुझे समय नहीं मिला और मैं प्रोग्राम के पंद्रह बीस मिनट पहले स्टूडियो में आ जाता हूं तब मैंने इस ऑडियो को शांति से बैठ के सुना शालिनी जी ने बताया कि सर लाइफ पटरी से उतर गई थी एक बार थोड़ा बहुत इलाज करा के ठीक ठाक हुए लेकिन वापस से ये दोबारा पनप गया और दोबारा पनप गया तो लगा कि अब जिंदगी हाथ से फिसल रही है डॉक्टर ने कहा आपको इलाज के लिए आना होगा पहला एक टेस्ट मेरा हो चुका था डॉक्टर ने कहा दूसरा टेस्ट वगैरह दूसरे चीजें जल्दी कराओ कीमोथेरेपी या जो भी चीजें उसमें चलती है वो जल्दी कराओ मैंने उसको टाला मैंने कहा एक महीने बाद का डेट लिया क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी एक महीने बाद का डेट लिया उसी दौरान जब मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी तो आपका रिलेशनशिप के ऊपर एक प्रोग्राम ग्यारह दिन का हमने प्रोग्राम किया था दोस्तों थोड़े दिन पहले इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे अभी ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है वैसे ही इलेवन डेज का रिलेशनशिप मास्टरी का मेरा प्रोग्राम किया था अगर आप में से किसी ने भी उस प्रोग्राम को नहीं अटेंड किया है तो इसी यूट्यूब चैनल पर रिलेशनशिप मास्टरी के नाम से या अल्टीमेट रिलेशनशिप मास्टरी के नाम से वो प्रोग्राम है उसके भी ग्यारह एपिसोड आप लोग कर लीजिएगा शालिनी जी ने वो प्रोग्राम पूरा अटेंड किया उनको समझ में आया कि उन्होंने अपने अंदर कितना गार्बेज भर रखा है उन्होंने कहा धीरे धीरे मैंने वो कचरा निकालना शुरू किया जो जो प्रोसेस आपने बताई जिस तरह से बताई और आज आप इसी श्रृंखला में जाने वाले एक और भी बहुत प्यारी प्रोसेस जिससे कि आप अपने गार्बेज को निकाल पाएंगे दोस्तों तो इतना गार्बेज अक्यूमिलटेड है शालिनी जी ने वो प्रोग्राम अटेंड किया उस प्रोग्राम की प्रोसेस को समझा ऐसे ही मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी वो अटेंड कर रही है और एक महीने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गई डॉक्टर वो सरप्राइज एक महीने में इतनी हीलिंग कैसे हो सकती है शालिनी एंड uh, उसके बाद उनका जो भी इलाज हुआ उसके कारण उनका पूरी तरह से कैंसर गायब बोली अब पांच साल दस साल ये वापस पलट के नहीं आएगा दोस्तों नीचे शालिनी जी के लिए लिख दीजिए यू रॉक शालिनी यू रॉक शालिनी जी अगर आप इस वीडियो को या देख रहे हैं इस समय मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो मैं आपको कहूंगा ये तब हो पाता है जब एक स्टूडेंट तैयार होता है ये तब नहीं होता जब एक अहंकारी इंसान होता है अहंकारी इंसान चीजों को जजमेंट के हिसाब से देखता है आ, देखते हैं मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है क्या और फिर अहंकारी इंसान देखता है आ ये सब प्रैक्टिकल नहीं है ये सब चीजें काम नहीं करती ये सब चीजें तो फालतू की है ये सब चीजें तो सिर्फ बात करने के लिए है कहना कई लोगों का डायलॉग आता है सर कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल है सर जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है अरे मेरे भाई आपने सोच में ही उसे इतना डिफिकल्ट बना दिया तो फिर तो डिफिकल्टी होने वाला है आपने सोच में ही इसे डिफिकल्ट बना दिया तो डिफिकल्ट होने ही वाला है और जिसने सोच में डिफिकल्ट नहीं बनाया जिसने सोच में आसान बना दिया दोस्तों उसकी जिंदगी तो आपको पता ही है किस लेवल पे चली जाएगी किस लेवल पे चली जाएगी शालिनी जी का जीता जागता उदाहरण राइट सौरभ मैं चाहूंगा कि शालिनी जी, जी के इस ऑडियो को आप प्ले करें कम से कम लास्ट का दो मिनट इट शुरू का बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों मिनट लास्ट का एक से डेढ़ शालिनी जी को सभी लोग इस समय मैं स्क्रीन पे नहीं रहूंगा और यह इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप में से कई लोगों को यह अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कई सारी चीजें आपकी जिंदगी में बदल सकती है लेकिन देखिए हर आदमी जो बहुत पॉजिटिव है उसकी लाइफ कैसे मिरेकुलस तरीके से बदल जाती है आपको भी नहीं पता एक काम करते हैं मेरे साथ बोलिए वेल लॉजिक स्टॉप्स मैजिक स्टार्ट्स जहां आपका लॉजिक खत्म हो जाता है आपका लॉजिक कहता है कि नहीं भैया मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होने में 20 साल लगे तो प्रॉब्लम से बाहर निकलने में 20 साल लगेंगे मैं कहता हूं चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट बदलाव क्षणों में होता है बदलाव मिनटों में होता है बदलाव जैसे ही यहां हो गया ना उसके बाद पूरी लाइफ कब ओवरनाइट बदल जाएगी आपको पता नहीं लगेगा ये मेरी लाइफ में हुआ ये हजारों लोगों की लाइफ में हुआ आपकी लाइफ में भी हो सकता है आइए सुनते हैं शालिनी जी को लास्ट टू मिनट्स

वो सारा प्रोसीज करना पड़ता है कैंसर के लिए तो उसके लिए मुझे पैसे जमा करने थे इसलिए मैंने ए वन मंथ का टाइम लेकर रखा था डॉक्टर से तो उसके बाद मैं डेढ़ मही आपका सेशन किया उससे डेढ़ महीना लगभग अपने चेकअप के लिए गई अपने रिपोर्ट्स निकालने के लिए तो आई एम शॉक्स और मेरे डॉक्टर भी कमाल करने लगे कि एक डेढ़ महीने में इतनी रिकवरी इतनी हीलिंग कैसे हो गई जो जख्म हमें आंखों से दिखाई दे रहा था वो जख्म पूरी तरह हिल हो गया था मेरे यूटेरस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था पूरी तरह से मैं रिकवर हो गई थी मेरे पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप बिल्कुल ठीक है अभी पाँच साल तक आपको कुछ नहीं होगा और आप बिल्कुल हेल्दी है और ये सब सिर्फ और सिर्फ बी एस आर सर आपकी वजह से हुआ था क्योंकि थैंक यू सो मच दोस्तों तो ये था शालिनी जी का लाइव आपने देखा देखिए दोस्तों कैंसर तक हील हो रहे हैं और वो भी मिराकुलस तरीके से एंड ये जो 28 दिन में आप लोग सीख रहे हैं आज छब्बीसवा दिन है और आज इस पे नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें क्योंकि हर्षवर्धन सर आ रहे हैं यार बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर है और आप सभी को हिलाने के लिए थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा शेयरिंग बनती है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं सिर्फ एक बार सारे स्पॉन्सर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्हीं के कारण ये प्रोग्राम आप तक आ रहा है और आप भी नीचे उनके लिए थैंक यू बोल दीजिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ग्राफी टीम को ग्राफी बयान अकेडमी को कि जिनके कारण ये प्रोग्राम आप तक पहुंच पा रहा है क्या है ग्राफी ग्राफी एक ऐसी कंपनी है जो कि एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट वेब, वेब पोर्टल वगैरह बना के आपको देती है बस आपको वहां कोर्सेज वगैरह अपलोड करने होते हैं ताकि पूरी दुनिया आपके कोर्सेज देख करके हमें एप्लीकेशन का बैकएंड बिल्कुल नहीं मैनेज करना है वो ग्राफी हमारा मैनेज कर दिए तो आप में से कोई भी कोर्स क्रिएटर ट्रेनर्स हैं तो मेक श्योर दैट आप ग्राफी का इसी यूट्यूब हर यूट्यूब वीडियो के नीचे मेरे लिंक लला होगा आप जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके साथ टाइप कर सकते हैं ई इंडिया रियल एस्टेट की बहुत पावरफुल कंपनी है और आप में से हर एक आदमी अगर रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है तो इससे बेटर कंपनी नहीं है जिसके साथ आप जुड़े कुकू एफ डेफिनेटली बहुत सारी बुक्स ऑडियो बुक्स मैं कहता हूँ मेरे और मेरे परिवार का तो यह हिस्सा बन गया है जहां पे हम रोज ऑडियो बुक्स सुनते हैं क्योंकि मेरा बेटा छोटा बेटा सात साल का ही है और वो भी बुक्स सुनने लगा है वो भी कुकू एफएम रात को सुन के सोता है कई बार कॉस्मिक और आबाई नेहा

चाहे कुछ भी है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियल रिलेशनशिप एंड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी जिंदगी में चल रही है तो आप में से हर एक व्यक्ति को यह टेक्निक भी बहुत ज्यादा कारगर यूज होगी जैसे मैंने आपको बताया लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज रात को सोते समय आपने ऑडियो रिकॉर्ड करके सो गए ऑडियो रिकॉर्ड किया रात भर स्क्रिप्ट लगाई एंड सुबह तक आपका ब्रेन आठ घंटे प्रोग्राम हो गया है इट इट इज इज अमेजिंग अब में से हर एक आदमी ने ये देखा कि आपने गोल्स लिखे एक पर्टिकुलर तरीके से लिखे येलो पेपर पे लिखे लिखे रेड पेन से सर्कल बनाया ये सब किया अमेजिंग इट कल हमने देखा था विजन बोर्ड बनाइए कल हमने देखा था अनयूजल रिमाइंडर सेट कीजिए हमने एक जबरदस्त टेक्निक सीखी थी क्वांटम जंप की जहां दो पानी के ग्लास लिए थे हमने उनके ऊपर चिट लगाई थी और हमने देखा था कि पैरल यूनिवर्सेज होते हैं दोस्तों हर एक चीज जो बता रहा हूं इतनी भी कर ली ना आगे के तीन दिन मैंने कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ आपके सवालों के जवाब दिया तो भी be एक चीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है दोस्तों सारी औषधियों में से आपका जो मन करे वो लीजिए स्वाद अनुसार लीजिए आपके आपकी सहूलियत अनुसार लीजिए आपके पास कितना समय बचा है उसके हिसाब से लीजिए जब आपको जो सुविधा उपलब्ध जो याद आ जाए मुझे यू नो बेस्ट पार्ट पता क्या है अर्जुन जब युद्ध में जाता था ना तो उसके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब कुछ होते थे अगर कोई बहुत ही पास आ गया तो उसको धनुष बाण से नहीं मार सकते तो उसको तलवार से मार सकते हैं और कोई है उसने गदा लेके आया तो भाई हम तलवार नहीं ले सकते क्योंकि उसने गदा लिया तो हम गदा से उसके साथ यू नो वो कर सकते हैं लड़ाई फिर अगर दूसरा वाला है वो ब्रह्मास्त्र चला रहा है तो हमारे पास भी ब्रह्मास्त्र है उसने देवास्त्र चलाया तो हमारे पास भी देवास्त्र है उसने नॉर्मल तीर बाण चलाया तो हमने भी तो हर तरह का अस्त्र हमारे साथ होना चाहिए शस्त्र भी हमारे साथ होना चाहिए क्या पता किसकी जरूरत हो जाए और कौन सा कब याद आ जाए दोस्तों वैसे तो एक गोल के लिए इनमें से कोई एक टेक्निक भी आपने अपनाई तो भी आपके लिए हेल्प करेगा लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जटिल है तो एक ही प्रॉब्लम के लिए आप दस चीजें भी कर सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए आप गोल भी लिख सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए आप अपनी स्क्रिप्ट बना के रात भर सुन भी सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए आप क्वांटम जंप भी कर सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी कर सकते हैं आप सभी का माइंड क्यूरियस होगा कि आज क्या सीखने वाले हैं तो सिखाऊंगा तभी दोस्तों जब जब हर्षवर्धन सर के सम्मान में नीचे शेयर बटन पर आप क्लिक करेंगे और आज कम से कम बारह हजार लोग आपके यहां होने चाहिए कैन यू डू दैट कैन यू डू दैट कैन यू डू दैट कैन यू रियली इन्वाइट पीपल इसी समय शेयर बटन पे क्लिक करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इस आज के माइंड ब्लोइंग सेशन का जबरदस्त फायदा उठा सके खैर दोस्तों आप शेयर ना करें या करें मुझे मेरा कर्म करने दीजिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से हर एक व्यक्ति इस पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करे और अपनी जिंदगी को बदल दे ये कहते हैं दोस्तों ये माइंड है ना देखिए एक छोटा सी एनालॉजी समझते हैं एक कंपनी है ओके एक कंपनी का सीईओ है और इस सीईओ के नीचे मान लीजिए पांच हजार एम्प्लॉइज है इनमें वाइस प्रेसिडेंट भी है प्रेसिडेंट भी है कोई भी है और कंपनी में हमेशा एक हाइराइर की रहती है कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आई कोई भी प्रॉब्लम आई तो सीईओ क्या कहेगा वाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा या प्रेसिडेंट को बोलेगा या किसी और को बोलेगा नीचे और वो उनके डायरेक्टर्स को बोलेंगे डायरेक्टर्स नीचे सीनियर मैनेजर्स को बोलेंगे सीनियर मैनेजर्स नीचे मैनेजर्स को बोलेंगे मैनेजर्स टीम लीडर को बोलेंगे और टीम लीडर सबसे नीचे जो जूनियर होगा उसको बोलेंगे मतलब प्रॉब्लम इस लेवल पर आई तो प्रेशर इस लेवल पर बढ़ेगा इज इट ट्रू और नॉट इन सभी लेवल्स पे प्रेशर बढ़ रहा है ओके okay? ये सीईओ है और सीईओ ने सभी जगह प्रेशर दिया और खुद आराम से शांति से सो गया सीईओ को एक टेंशन आई सीईओ को प्रधानमंत्री का फोन आया कि भाई ऐसा कुछ करना है सीईओ ने कहा सारे लोग इंस्ट्रक्शन दे दो और सारे इंस्ट्रक्शन चेन ऊपर से नीचे तक गई और तुरंत सीईओ को एक थॉट आया कि भाई मुझे तो कंपनी को 100% का ग्रोथ दिलवाना है सीईओ क्या करेगा एक मीटिंग बुलाएगा इसको बोलेगा इसको बोलेगा इसको बोलेगा इसको बोलेगा और ये चेन नीचे तक एग्जीक्यूशन का काम सारा इधर आएगा इज दैट ट्रू और नॉट दोस्तों अब समझते हैं इस चीज को मतलब इस पूरी श्रृंखला में ऐसा नहीं है कि सीईओ को या इनके ऊपर प्रेशर नहीं है इनके ऊपर अलग तरह का प्रेशर है बट प्रेशर आया तो सबसे पहले किधर जाएगा नीचे जाएगा अब ये एनालॉजी मैं आपको क्यों दे रहा हूं क्योंकि आपके ब्रेन पे भी कोई भी प्रेशर आया तो वो कहां जाएगा नीचे जाएगा आपकी बॉडी में जाएगा कहीं ना कहीं जितने भी प्रॉब्लम है मान लीजिए आपको एक रिलेशनशिप इशू है ओके तो रिलेशनशिप इशू में कहीं ना कहीं हेल्थ पे कोई असर अभी तो पड़ ही नहीं रहा है लेकिन इस रिलेशनशिप इशू के कारण कौन डिस्टर्ब हुआ आपका माइंड और माइंड में भी सबसे ज्यादा कौन सा माइंड डिस्टर्ब हुआ सबकॉन्शियस माइंड क्यों क्योंकि जैसे ही रिलेशनशिप इशू आया इमोशनल हो गए आप इमोशनल हुए इमोशन किसका काम है सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस माइंड तो जानता है यार ठीक है उसने गाली बोल दी हो गई कोई बात नहीं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता कैसे मैंने इतने साल उसके लिए इतना अच्छा किया और उसने मुझे गाली बोल दी उसने मुझे ऐसा किया उसने सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल होता है सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है आपकी हार्ट बीट को आपकी ब्रीदिंग को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके ब्लड सर्कुलेशन को आपके ब्लड में कितनी कोशिकाएं मरेगी कितनी जिएगी रेड ब्लड सेल्स कितनी होगी व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी होगी ऑक्सीजन आपकी कहाँ कहां पहुंच रही है आपने कोई दवाई खाई तो वो उसका असर कहाँ पहुंचा आपने खाना खाया तो खाने को सारे पार्ट्स में पहुंचाना है आपने पानी पिया तो सारी बॉडी को नरिश करना है आपकी बॉडी का हीट बढ़ा तो पसीना लाना है और अगर आपको ज़्यादा ठंड लगी तो यू नो रोंग टे खड़े हो जाने हैं चुपचाप से ये सारे काम आपके कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेमरी को कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज अच्छी लगी तुरंत स्माइल आ गई सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज बुरी लगी तुरंत रोना आ गया सबकॉन्शियस माइंड तो कहते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा जब इसके कंट्रोल में बॉडी की सारी कोशिकाएं हैं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या आपको लगता है ये तो सीईओ है भैया आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन का और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबकॉन्शियस माइंड सीईओ है तो वो प्रेशर लेके खुद सोएगा बिल्कुल नहीं वो क्या करेगा वो सारा प्रेशर देगा किसी के शोल्डर को तो किसी की आंखों को तो किसी के नाक को तो किसी के किडनी को तो किसी के किसी और पार्ट को ये प्रेशर यहां जाके अकूमुलेट होता है दोस्तों ये किताब जो मैंने आपको पहले भी बताई थी एक बार यू कैन हील योर लाइफ ये किताब आप पढ़ सकते हैं इसमें बताया गया है कि अगर आपके सबको आपके आपके शोल्डर्स में पेन है तो आपके शोल्डर्स का पेन जो है वो शोल्डर्स का पेन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शोल्डर में वो दर्द आके या वो सबकॉन्शियस माइंड के कारण जो नेगेटिविटी थी वो आके अटक गई है इधर एंड वो कहती है कि कौन से पर्टिकुलर पेन के कारण कौन से पर्टिकुलर चैलेंज के कारण आपका कौन सा पार्ट दुखने लगेगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा तो ये बुक बड़ी प्यारी है यू कैन हील योर लाइफ ये बताएगी कि कौन से थॉट के कारण कौन से पार्ट में कमर में दर्द हो रहा है तो क्या करना है आज अगर शालिनी जी ने हमें मैसेज भेजा कि मेरा का कैंसर ठीक हो गया कैसे ये हो कैसे सकता है ये यूटेरस का कैंसर क्या कर रहे पॉजिटिविटी से कैसे ठीक हो सकता है भाई भाई डेफिनेटली उन्होंने दवाई भी ली है सब कुछ किया है लेकिन डॉक्टर्स खुद हैरान है और आज का लाइव टेस्टिमोनियल है पुराना तो मैंने आपको बताया था आज का लाइव टेस्टिमोनियल है छोटी मोटी बीमारी का नहीं कि सर दर्द ठीक हो गया कैंसर ठीक हुआ है डॉक्टर हैरान है कैसे इतनी हीलिंग हो गई एक महीने के अंदर अरे भाई गंदगी निकल गई बॉडी में से जो प्रेशर सबकॉन्शियस माइंड ने कंधे पे डाला था सबकॉन्शियस माइंड ने वो प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया हीलिंग होना शुरू हो गई और जब तक आपने सारी दुनिया का कचरा समेट के यूट्रस में डाल दिया तो यूट्रस में कैंसर होना चालू हो गया अच्छा डेफिनेटली खाने पीने से भी हो रहा है डेफिनेटली केमिकल्स से भी हो रहा है गलत लाइफ से भी हो रहा है लेकिन गलत लाइफ का भी असर कौन हुआ इस पर इसने क्या किया बॉडी में जाओ भैया मुझे नहीं चाहिए ये, ये तो है। right? तो है कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में स्टोर हो रही हैं, कहीं ना कहीं हो रही है किसी के पेट में तो किसी के कंधे में तो किसी के घुटने में और कहते हैं कि अगर हमने ये ये पार्ट से अगर उस स्ट्रेस को रिलीज कर दिया उस तनाव को रिलीज कर दिया उस नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया तो आप तुरंत हील हो जाएंगे राइट right? तो आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करना है अच्छा वो स्ट्रेस जो है ना वो किस रूप में है इम्बैलेंस कैसे हुआ मान लीजिए आपको रिलेशनशिप इशू है मनी इशू है मनी इशू है कि आपसे किसी ने पैसा मांगने के लिए आया आप नहीं दे पा रहे हैं आपको कुछ खरीदना है आप नहीं खरीद पा रहे हैं आपको जो खरीदना चाहते हैं उससे कम खरीद पा रहे हैं मनी इशू है रिलेशनशिप इशू है हेल्थ इशू है तीन इशू है ये तीन इशू कई लोग होते हैं हेल्थ इशू मान लीजिए पाओं में चोट लगी है हल्की सी लेकिन इमोशनल हो जाते हैं बहुत ओ मेरी तो लाइफ खराब हो रही है मैं क्या करूंगा कैसे होगा अरे भाई पाओं में चोट लगी है तू पाओं तक रहने देना उसको माइंड में क्यों ला रहा है लेकिन हम लोग हर चीज को कहा ले आते माइंड में तो एक्चुअली ये कहा जाता है एवरी इशू इन योर बॉडी आपकी बॉडी में जो भी इश्यूज़ है दैट इज नॉट अ फिजिकल इशू वो कहते हैं कि जो भी बॉडी में इश्यूज़ हैं वो सारे इमोशनल इश्यूज़ हैं ओके क्या है सारे इमोशनल इश्यूज हैं पैसों का प्रॉब्लम हुआ माइंड इमोशनल हुआ चाहे वो एंगर का इमोशन है चाहे डर का इमोशन है चाहे गिविंग अप का इमोशन है चाहे लथार्जी का इमोशन है चाहे यू you नो know, ऐसा इरिटेशन का इमोशन है फ्रस्ट्रेशन का इमोशन है कोई भी इमोशन है वो इमोशन कहां है माइंड के अंदर और माइंड उसी इमोशन को कहां भेग रहा है आपकी बॉडी के अंदर और माइंड right. के अंदर इमोशन है माइंड ने कहा डाला बॉडी के अंदर तो एक्चुअली एवरी इशू इज नथिंग बट एन इमोशनल इशू और इमोशंस का इशू है आपका मोशन ब्लॉक हो गया उस पर्टिकुलर एरिया का इमोशन राइट right? कहते हैं एनर्जी इन मोशन ओके एनर्जी फ्लो करते हुए ही अच्छी लगती है लेकिन जब आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो गए तो आप अपनी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट का मूवमेंट या फ्लो रोक देते हैं इमोशनल फ्लो या एनर्जी फ्लो रोक देते हैं जहां पे एक लेवल पे आके ब्लॉकेज आता है फिर सारी गंदी एनर्जी वहां जमा होती जाती है और धीरे धीरे वो पार्ट में आपको मॉल फंक्शन दिखाई देता है चाहे वो किडनी हो चाहे वो हार्ट हो चाहे वो लंग्स हो चाहे वो गला हो चाहे वो आंखें हो, चाहे वो कान हो चाहे यू नो मेमोरी हो वट इट इज ओके तो कहते हैं टेक्निक जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक okay? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करती है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक शॉर्ट में अगर इसको बात करें तो यह क्या कहलाती है ई एफ टी शॉर्ट में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और बहुत ही शानदार टेक्निक है ओके बीस मिनट का समय मेरे पास है उसके बाद हर्षवर्धन सर ज्वाइन जो, जो, करेंगे नीचे शेयर बटन पर क्लिक कर दें ज्यादा ज्यादा लोगों तक फैला दें दोस्तों और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को शांति से सीखें अब मैंने आपको क्या बताया इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ईएफटी ईएफटी का जनक जो है उनका नाम है गैरी गैरी ग्रेग गैरी और ग्रेग लेट मी लेट मी फाइंड आउट राइट पहले बहुत पहले एक वेबसाइट थी ई एफ टी यूनिवर्स यह आप जाइए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक डालिए गूगल के ऊपर और इसके बारे में सर्च कीजिए गैरी क्रेग हाँ गैरी क्रेग क्रेग इनका नाम है और इन्होंने इसको uh,

Uh, मुझे फाइनेंस का इशू है या मुझे हेल्थ का इशू है या कोई भी किसी को कोई भी इशू है कट 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 मुझे तो मैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया हूं पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरे पास बार बार आता है हर बार आता है नए नए तरीकों से आता है बढ़ चढ़ के आता है जरूरत के समय और ज्यादा आता है पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सो okay? so, एफ में 11 बोलते हैं कि पहले आप इमोशंस को या पहले आप इशू को आइडेंटिफाई करें मान लीजिए किसी के भी कोई भी इशू है इस समय आप में से कोई भी किसी भी जगह पे आपकी बॉडी में कोई पेन है तकलीफ है परेशानी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपकी इमोशनल प्रॉब्लम है रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप एक नंबर दे दीजिए कि भाई जीरो से दस के बीच में दस मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गहरी है जीरो मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सो so, मान लीजिए आप कहते हैं मेरा रिलेशनशिप इशू है और ये टेन ऑन टेन है ओके okay? ओके, okay. सो so, आपने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को okay? आइडेंटिफाई 10 10 इस प्रॉब्लम, का पहला पार्ट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का पहला पार्ट है आपको प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है ओके okay? प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है हम सबका इशू क्या है हम लोग प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते अ फ्रेश पेज सो हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे और ये क्या है टैपिंग टेक्निक है तो के लिए हमें इस पार्ट पे टैप करना है टैपिंग टेक्निक टैपिंग यानी बॉडी को टैप करना सो ये कराटे चॉप हम ऐसे करेंगे और हम इस तरह से मारेंगे और हम बोलेंगे जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे इवन दो अंग्रेजी में पहले बोलता हूं फिर हिंदी में बोलेंगे इवन दो आई हैव अ मनी प्रॉब्लम आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ मेरी जिंदगी में फाइनेंस का प्रॉब्लम है फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता हूँ दो आई हैव दिस प्रॉब्लम आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ राइट ये ये पॉइंट आपको टैप करना है मान लीजिए इस हाथ में कोई दर्द है आप एक उंगली से इस हाथ को भी टैप कर सकते हैं सिंग, सिंगल हाथ को भी आप टैप कर सकते हैं बट ये टैपिंग पॉइंट है ओके दिस इज द फर्स्ट टैपिंग पॉइंट टू एक्सेप्ट राइट तो कहते हैं अब अब अफर्मेशन आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं मेरी जिंदगी में यह प्रॉब्लम है फिर भी मैं अपने आपको एक्सेप्ट करता हूँ अपने आपसे प्यार करता हूँ मैं अपने आपको स्वीकार करता हूँ अपने आपसे बहुत प्यार करता हूँ है ना अगर आपकी लाइफ में मान लीजिए प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको बड़े कंप्लेन है वेट के बारे में है ना तो आप कहते हैं इवन दो मेरा वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं और अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं तीन बार हम ये बोलेंगे मेरा वेट बहुत ज़्यादा है फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं अपने आप से प्यार करता हूं जो भी प्रॉब्लम है पैसों की प्रॉब्लम है तो पैसों के लिए बोलेंगे ओके हेल्थ प्रॉब्लम है हेल्थ के लिए बोलेंगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है रिलेशनशिप के लिए बोलेंगे बिजनेस प्रॉब्लम है कोई भी है एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस के बाद हम क्या करते हैं ये एक्सेप्टेंस का पॉइंट आपने अफर्मेशन बोल दिया इसको बोलते हैं अफर्मेशन affirmation. तो अफर्मेशन के साथ टैपिंग एंड अफर्मेशन ये दोनों टैपिंग प्लस अफर्मेशन ये दोनों चीजें हमें करनी है ये पहला पार्ट हो गया अब उसके बाद एक्सेप्टेंस हो गया एक्सेप्टेंस के बाद आता है हीलिंग शुरू करता है हीलिंग के लिए सात बॉडी के पॉइंट है पहला पॉइंट ये राइट कौन सा सर की चोटी के ऊपर ब्रह्म जिसको बोलते हैं यू नो या कहते हैं क्राउन चक्र यहां पे दो उंगली से आप ऐसे टैप कर सकते हैं दूसरा टैपिंग पॉइंट है टेंपल्स टेंपल्स यानी आपकी कनपटी मैं थोड़ी देर के लिए चश्मा हटाता हूं यहां पे टेंपल्स ऑलराइट दोनों टेम्पल्स को आप दोनों उंगलियों से ऐसे करके यू कैन टैप हियर हिराइट फिर दो टैपिंग पॉइंट है आपके यहां आईब्रोज थर्ड आई के आसपास सो आप यह कह सकते हैं दोनों आंखों के ऊपर बिल्कुल राइट right? चौथा टैपिंग पॉइंट है आपकी आंखों के नीचे राइट right? पांचवा टैपिंग पॉइंट है आपके नाक के नीचे और नीचे वाले होठ के नीचे तो आप पहले नाक को टैप कर सकते हैं नाक के नीचे और फिर दोनों को एक साथ भी टैप कर सकते हैं आप है ना और फिर है आपकी कॉलर बोन राइट कॉलर बोन कॉलर बोन यानी कि आपके कंधे के पास जो बोन है वो एंड फिर लास्ट टैपिंग पॉइंट है आपके साइड में right? आप दोनों साइड में रिब केज के आसपास यहां पे ऐसे टैप कर सकते हैं तो है। इनको अफर्मेशन के साथ करते हैं okay? हमने कहा मान लीजिए फाइनेंस की प्रॉब्लम हमने ली थी हमने कहा मेरे जिंदगी में फाइनेंस का प्रॉब्लम है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं अपने आप से प्यार करता हूं ये पहला आपका काम हो गया उसके बाद हम कैसे अफर्मेशन बोलते हैं देखिए अरे वाह पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरे पास बहुत सारा आ रहा है आने की सोच ही रहा है पैसा तैयार हो रहा है पैसे ने नए कपड़े पहन लिए पैसे ने नए जूते भी पहन लिए क्यों क्योंकि वो मेरे घर आने वाला है अरे तैयारी करो भाई तैयारी करो मैं बस जल्दी ही से जल्दी पैसे के स्वागत के लिए तैयारी कर रहा हूं क्योंकि पैसा आ रहा है पैसा खुश है बहुत ज्यादा वो मेरे पास आ रहा है आना ही चाह रहा है बहुत सारा आना चाह रहा है अरे एक साथ उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए पैसे ने एक रुपए ने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए मेरे पास आ रहा है पैसा अरे गेट खोल रहा हूं मैं ओके okay, यस yes, पैसा मेरी जिंदगी में आ चुका है थैंक यू सो मच मनी थैंक यू सो मच आप मेरी जिंदगी में आ रहे हैं आई एम सो हैप्पी अरे वाह अब मैं और पैसा घूमने के लिए जा रहे हैं और घूमने जाते समय मुझे बहुत नए नए कपड़े पसंद आ रहे हैं और पैसा कह रहा है अरे ले ले भाई ले ले मैं हूं तेरे साथ डोंट वरी अबाउट इट पैसा मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है पैसा आ रहा है आराम से आ रहा है थैंक यू सो मच मनी आई लव यू सो मच मनी आई लव यू सो मच देखिए सातों पॉइंट आप करते रहे लव यू लव यू सो मच थैंक यू मनी अब तो पैसे से हमने बड़ा घर भी खरीद लिया अब तो पैसे से हमने बड़ी कार भी खरीद ली है अब तो हम पूरी दुनिया घूम पा रहे हैं अब तो हम चाहे जो कर पा रहे हैं बड़ा व्यापार कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और कौन सी प्रॉब्लम है लाइफ की बताइए मुझे जो भी प्रॉब्लम है हु थैंक यू सो मच आई एक्सेप्ट माई सेल्फ आई लव माई सेल्फ ये प्रॉब्लम तो है सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं आपने बोला उसके बाद आई एम सो हैप्पी आई एम सो हेल्दी कुछ भी बोल सकते हैं आप मेरी तरह अगर इतना क्रिएटिव नहीं बोल पा रहे आप सिंपल बोले मैं हील हो रहा हूं मैं हील हो रहा हूं मैं ठीक हो रहा हूं मैं ठीक हो रहा हूं मैं ठीक हो रहा हूं मैं आराम से ठीक हो रहा हूं मैं आराम से ठीक हो रहा हूं मैं आराम से ठीक हो रहा हूं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मुझे ठीक करने के लिए भगवान आपका बिल दिल से धन्यवाद आप सिंपल अफर्मेशन बोल सकते हैं मेरी जिंदगी में पैसा भेजने के लिए भगवान आपका दिल से धन्यवाद मेरे को अच्छी चीजें देने के लिए भगवान आपका दिल से धन्यवाद मेरा ध्यान रखने के लिए भगवान आपका दिल से धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू सेवन पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अगर आप चाहें तो इनको आठ भी बना सकते हैं दस भी बना सकते हैं कैसे एक ही मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक हाथ में हल्की सी चोट लगी है आप इससे टैपिंग नहीं कर सकते या इसमें कुछ पकड़ा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन पॉइंट्स भी आप बना सकते हैं और right? आप एक हाथ से भी सारे पॉइंट्स को टैप कर सकते हैं ओके okay? अब कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं क्या सर इससे हेल्प होगा करके देख लीजिए थोड़ा रिसर्च कीजिए थोड़ा इसके ऊपर पढ़िए थोड़ा इसे सीखिए क्या किसी भी प्रॉब्लम पे है यस किसी भी प्रॉब्लम पे अच्छा प्रॉब्लम नहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं हो तो भी इसे, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है आपको आई ऑफिसर बनना है आपकी प्रॉब्लम लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है मेरी तरह लेकिन मुझे पचास करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है हुरे! अभी तक मैंने सिर्फ एक करोड़ लोगों को इंस्पायर किया है फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को बहुत स्वीकार करता हूं थैंक यू सो मच मेरे पास जो भी अभी जिंदगी है उस जिंदगी में मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं तीन बार कर लिया हमने भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया है क्योंकि आपने मुझे पचास करोड़ लोगों से मिलवा दिया है और मेरे कारण पचास लोगों के पचास करोड़ लोगों के चेहरे पर खुशियाँ हैं थैंक यू सो मच गॉड पचास करोड़ लोगों की जिंदगी में उजाला लाने का मुझे जरिया बनाने के लिए भगवान आपका दिल से शुक्रिया थैंक यू सो मच भगवान आज 12 जनवरी 2030 है और 50 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूं आपकी कृपा से थैंक यू सो मच हर उस इंसान को दिल से धन्यवाद जिसने इस मुहिम में मेरा साथ दिया थैंक यू सो मच भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया मुझे इस काबिल बनाने के लिए थैंक यू सो मच मेरे सभी गुरुओं को मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपको क्या पाना है जो पाना है उसके लिए भी आप इसे कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं प्रॉब्लम ही है बिना प्रॉब्लम के भी आप कर सकते हैं क्योंकि कहीं कही ना कहीं जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं आप ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो कहीं कही ना कहीं दिन भर उसके बारे में सोच रहे हैं और जब दिन भर सोच रहे हैं तो ये माइंड तो क्या है थोड़ी देर सोचता है उसके बाद नीचे के सारे पार्ट्स को बॉडी के सभी पार्ट्स को तीन ट्रिलियन कोशिकाओं को क्या कहता है एंगेज कर देता है उसमें बोले तुम लोग संभालो इसको मैं अब दूसरा कुछ सोचता हूं क्योंकि ब्रेन क्या है सीईओ है और इस सीईओ को आदत नहीं है बहुत ज्यादा काम करने की ये सीईओ कहता है भैया मैं क्यों करूं इतना काम दूसरों को करने दो ना तो ये पूरी बॉडी में इसके तो हजारों लाखों एम्प्लॉयज है उन करोड़ों एम्प्लॉइज को ये बॉडी में इतनी सारी कोशिकाएं हैं इन करोड़ों कोशिकाओं को काम पे लगा देता है वो इसीलिए खुद नहीं लेता लोड तो अगर आप सपना भी देख रहे हैं ना कोई बहुत बड़ा बनने का तो भी ये ब्रेन यही काम करने वाला है तो इसलिए जब हम इस तरह से टैपिंग करते हैं तो क्या होता है एंकरिंग हो जाता है बॉडी में आप अगर एनएलपी थोड़ा करेंगे आप में से अगर कोई भी आदमी एनएलपी सीखेगा न्यूरोड प्रोग्रामिंग तो आप लोग देखेंगे कि जितना ज्यादा आप ये टैपिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप इस इस चीज को एंकर कर रहे हैं आई एम गेटिंग बेटर हुर मेरी जिंदगी में पचास करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूं थैंक यू सो मच गॉड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप एंकरिंग कर रहे हैं बॉडी में हर जगह एंकर क्रिएट कर रहे हैं और कभी तो आप सोते समय यहां हाथ लगाएंगे कभी बैठे बैठे यहां हाथ लगाएंगे एंकर फायर होगा तुरंत आपके बॉडी को संकेत जाएंगे अरे पचास करोड़ लोग हो रहे अरे मैं तो ठीक हो रहा हूं कभी आप बैठे बैठे यहां हाथ लगाएंगे ओ ये तो ठीक हो रहा हूं कभी आपने हाथ ऐसे ही लगा दिया आपने यहां पर यहां पर ऐसे हाथ बांध लिया तो आपका हाथ यहाँ जा रहा है रिब केज के पास जा रहा है ओ वाओ आई एम गेटिंग बेटर ऑटोमेटिकली आपके बाइंड कभी कभी आप ऐसे करते ऐसे बैठ जाएंगे यहां पर बैठते ही माइंड कहेगा ओह इस जगह पे हाथ लगाया मतलब मैं ठीक हो रहा हूं ओके okay? कभी आप मूल को ऐसे बैठेंगे ऐसे बैठेंगे उदास भी होकर बैठेंगे और इधर हाथ लगाया इधर हाथ लगाया इधर हाथ लगाया हर जगह पे एंकरिंग कर रहे हैं आप आपका माइंड पूरा एंकर हो रहा है अब कई लोग मुझे कहते हैं सर मुझे ये बड़ी अच्छी लगी लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर मैं लोगों से घिरा हुआ हूं तो क्या करूं तो भी आप ई एफ कर सकते हैं

ये फिंगर आपने ली और इस फिंगर पे आपने टैप किया ऑलराइट मिड right? सबसे छोटी वाली फिंगर और यहां पे आपने टैप करके कहा थैंक यू सो मच गॉड मुझे 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने में मदद करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इसके बाद हम ये रिंग फिंगर को छोड़ेंगे और दूसरी फिंगर दूसरा पॉइंट इस फिंगर पे है थैंक यू सो मच गॉड आपने मुझे हेल्प किया और आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पचास करोड़ लोगों को इंस्पायर करने के आपने काबिल बनाया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गॉड पचास करोड़ लोगों को इंस्पायर करने के लिए मुझे प्रेरणा दी मेरे गुरु मिलाए मुझे इतने अच्छे लोग दिए थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा हेल्थ दिया थैंक यू सो मच तीन फिगर तो पहली फिंगर दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट थम्ब में आई रियली अप्रिशिएट भगवान आपने मुझे इतनी विजडम दी और 50 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर कर पाया उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया थैंक यू कितने पॉइंट हो गए चार हमें कितने पॉइंट चाहिए सात ओके पांचवा पॉइंट है ये ये वाली उंगली और ये वाली उंगली के बीच का हिस्सा ओके थैंक यू सो मच आई एम सो हैपी आई एम सो एक्साइटेड मेरी जिंदगी बदल रही है मैं पचास करोड़ लोगों के चेहरों पर खुशियां ला पा रहा हूँ आई एम सो मच थैंक यू सो मच कौन सा पॉइंट हो गया पांचवा छठा पॉइंट ये वीडियो आप आ, दो तीन बार देखिएगा अगर आपको समझ ना आए तो छठा पॉइंट आपकी कलाई जहां पे होती है वहां राइट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी आप सभी की दुआओं के कारण पॉसिबल हो पाया और लास्ट पॉइंट यहां इसी के बिल्कुल इसके सामने सामने के बिल्कुल ऑपोजिट रे आई एम हैप्पी क्योंकि आज 12 जनवरी 2030 है और 50 करोड़ लोगों को मैंने इंस्पायर कर दिया है थैंक यू गॉड थैंक यू गॉड थैंक यू गॉड और राइट मुझे रिट्रीट सेंटर बनाया जहां मैं फ्री में लोगों को एजुकेशन दूंगा तो इवन दो अभी मेरे पास रिट्रीट सेंटर नहीं है फिर भी मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके बहुत खुश हूं और अपने आप को डीपली एक्सेप्ट करता हूं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं थैंक यू 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 थैंक 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 यू तीन बार मैंने ये किया उसके बाद भगवान धन्यवाद आपका हमारा पांच लोगों का रिट्रीट सेंटर जहां पे पांच लोग फ्री में आके रह रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं मजे कर रहे हैं और सीख रहे हैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद हम उस रिट्रीट सेंटर में फ्री में लोगों को सर्व कर पा रहे हैं सपोर्ट कर पा रहे हैं और मेडिटेट करवा पा रहे हैं उनकी जिंदगी को आगे बढ़ा पा रहे हैं थैंक यू सो मच दोस्तों अपने सारे गोल्स के लिए सारे ड्रीम्स के लिए ऐसे ही आप बोलते जाएं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और कुछ ना मिले तो बस इमेजिन कर लीजिए कि वो चीज जो आप चाहते हैं वो हो गई है और आप थैंक यू बोल रहे हैं थैंक यू बोल रहे हैं थैंक यू बोल रहे हैं ई एफ टी आप सीख रहे हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आप कर रहे हैं दोस्तों बहुत पावरफुल है अगर आपके घर में कोई पेट है ना मान लीजिए कोई डॉग है और बड़ा ही हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है आप उसके लिए ई कर सकते हैं वो भी बीमार है तो उसके उसके भी सर पे आप टैप कर सकते हैं उसकी भी आंखों के सामने उधर यू नो उसके भी आ, फिंगर नेल्स वगैरह को टैप कर सकते हैं अगर आपके घर में छोटा बच्चा है मान लीजिए चार साल चार महीने का कोई छोटा बच्चा है वो बहुत रो रहा है बहुत परेशान हो रहा है बीमार हो रहा है आप उसके लिए ई कर सकते हैं आप उसके हाथों पर टैप कर सकते हैं आप अपने हाथ से राइट right? आप उसका एक हाथ पकड़ के आप उसके हाथों पे ऐसे टैप कर सकते हैं या आप उसके सर पे या आप उसके यू you नो know, ये सब जगह पे पॉइंट्स पे टैप कर सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इट इज कॉल्ड ई एफ टी क्या कहलाती है ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बहुत पावरफुल है मैंने इसको कई जगह पे आजमाया है दोस्तों जब तक मैंने खुद किसी चीज को आजमाया नहीं ना तब तक मैंने आपको बताई नहीं है और इस जगह पे खड़ा हूं ये मेरा मंदिर है ये ये सबसे ज्यादा मेरी पूजा है मैं हमेशा हर आदमी को कहता हूं काम ही आपकी सबसे बड़ी पूजा होनी चाहिए इस दुनिया में जो भी आदमी जाना गया वो अपने काम के कारण ही जाना गया जिसने भी अपना काम ज्यादा नहीं किया वो आदमी कभी नहीं जाना गया जिसने अपने काम को शिद्दत से नहीं किया वो आदमी नहीं जाना गया और इस काम की यू you नो know, सौगंध का के मैं आपको कहता हूं एक एक टेक्निक जो भी इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आपको बताई जा रही है एक एक चीज ये पर्सनली खुद पे ट्राई किए पर्सनली इनसे कई गुना ज्यादा रिजल्ट मुझे मिले हैं नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो पाएगा क्योंकि यार कुछ हुआ ही नहीं था अच्छा अंग्रेजी नहीं आती थी कॉन्फिडेंस नहीं था परिवार बहुत ऑर्डिनरी था बारह सौ रुपए महीने की पहली नौकरी मिली कॉलेज करने के बाद वो भी कॉलेज करने के बाद कंप्यूटर सीखने के बाद तीन साल झक मार के कंप्यूटर सीखने के बाद बारह सौ रुपए की नौकरी मिली उसके बाद पांच हजार रुपए की नौकरी मिली पांच हजार रुपए की नौकरी ढाई साल करने के बाद बॉस को बोला बॉस अब तो बढ़ा दो पैसा बोले नहीं बढ़ा सकते आप थर्ड पार्टी पेरोल पे हो नहीं बढ़ा सकते आपका पैसा आप चाहो तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो मतलब तीन साल चार साल रगड़ने के बाद भी मतलब पैसा नहीं बढ़ रहा है बारह सौ रुपए तीन हजार रुपए पांच हजार रुपए फुल स्टॉप करियर पे फुल स्टॉप लाइफ पे फुल स्टॉप और वहां से फिर किसी ने कहा कि अंग्रेजी सीख लो प्रेरणा मिली किसी ने चैलेंज कर दिया अंग्रेजी सीखी तो चलो ग्यारह हजार पहुंच गए बट वहां जाके फिर से फुल स्टॉप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे ये तो 2007 में पहली बार कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने कहा भैया बड़ा सोचो उन्होंने कहा सोच में ही ताकत है उन्होंने कहा सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे और धीरे धीरे एक और चीज समझ में आई संगत बढ़िया संगत अगर बढ़िया संगत होगी तो बढ़िया आदत मिलेगी और बढ़िया आदतें होगी संगत अच्छी होगी आदतें अच्छी होगी साथ साथ में गुरु मिल गया संगत आदत गुरु ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में मिल गई तो कहीं ना कहीं आप में से हर एक व्यक्ति बड़ा बन सकता है ये 2007 में पहली बार सुनने को मिली चीजें आश्चर्य होता था ऐसे कैसे यार कैंसर ठीक हो जाता है ऐसे कैसे यार यू नो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी मिराकल हो जाएगा मैजिक हो जाएगा पॉसिबल नहीं था लेकिन मैंने एक ही चीज देखी है यार जब कोई नई चीज सीख रहे हैं, अपने तरीके से जिंदगी पच्चीस साल जी के देख ली थी कुछ अच्छा नहीं हुआ था अब ये नया कोई तरीका मिल रहा है नया रास्ता मिल रहा है इसको अपना के देखते हैं अपनाना शुरू किया दोस्तों थोड़ा थोड़ा और मेरे अंदर मुझे लगता है सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे जो मेरे अंदर दिखाई देती है वो एक ही है आई एम अ वेरी गुड इंप्लीमेंटर आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट अगर आप भी अच्छे स्टूडेंट है तो नीचे लिख दीजिए और मैं चाहता हूं कि अब हर्षवर्धन सर हमारे साथ किसी भी समय जुड़ सकते हैं इसलिए नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें यार अभी तक सिर्फ लोग करेंगे हर्षवर्धन सर इतने कम लोगों में आते ही नहीं है उन्होंने मुझे साफ बोला बारह हजार लोग होंगे तो ही मैं लाइव जाऊंगा आप चाहते हैं उनको सुनना तो ठीक है नहीं है नहीं चाहते तो फिर मत करिए शेयर सो so, बारह हजार लोग चाहिए दोस्तों राइट तो कहने का मतलब है कि जब इतने सारे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया मेरे टीचर्स ने बताना शुरू किया मेरे अंदर का स्टूडेंट कहने लगा यार यस यस आई आई कैन कैन डू डू इट इट सरेंडर कर दो ना सीधा सा आप मुझसे सीख रहे हैं सरेंडर कर दो अपनी तरह से जिंदगी जी ली अब ये 28 दिन में जो जो सीखा है इनको अगले तीन महीने या छह महीने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो बदलाव नहीं आया तो मुझे कहिएगा ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो जो यू you नो know, लाल कलर के लाल कलर से भरे हुए यू नो तालाब के अंदर कूदे और उसका शरीर लाल ना दिखाई दे ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो पानी में जाए बारिश में जाए और गीला ना हो ऐसा कोई आदमी नहीं है आप छाते के साथ गए तो बात अलग है तो ये तो ज्ञान की गंगा है दोस्तों इसमें आपने डुबकी लगाई तो आप भी गीले होने वाले हो आपके अंदर बदलाव दिखेगा ही दिखाएगा संगत का असर मेरे साथ अट्ठाईस दिन आप रहे और आपके अंदर बदलाव नहीं दिखा और मेरे साथ साथ स्नेह देसाई जी पुष्कर राज जी उसके बाद हिमेश जी दीपक सर सोनू सर ए नो जया मैम और अब हर्षवर्धन सर और उसके बीच में सुधीर कोवे जी से लेके भगवान तक जितने भी लोग आए शुभम शालिनी सभी लोगों की ज्ञान की गंगा में आपने डुबकी लगाई है ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदलाव हो ना दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदलाव ना और राइट यस अभी तक सिर्फ पांच हजार लोगों को क्रॉस किया है दोस्तों मैं जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए दोस्तों गिम्मी वंशिक गिम्मी सेक, सेक। हर्ष सर हैं आ गए मिनट मेरे को ये बताओ एम आई एम आई ऑफ एम आई सॉरी 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 ओके मैं जस्ट चेक कर रहा था मेरी टीम से हर्ष सर आ गए या नहीं आए और बहुत खुशी की बात है कि हर्षवर्धन सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन दोस्तों आज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के ऊपर हमने सीखा तो मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल बुक इसके ऊपर सजेस्ट कर रहा हूं राइट right? ये बुक आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसे ऑर्डर कर दीजिएगा बुक का टाइटल है मास्टर योर इमोशंस मास्टर योर इमोशंस दोस्तों हर चीज इमोशन है इमोशन पावरफुल आ गया ना तो पहाड़ तोड़ने की शक्ति आ जाएगी इमोशन में दम हुआ ना तो मतलब एक छोटे से छोटा इंसान भी बड़े से बड़ा काम कर जाएगा इसीलिए मास्टर इमोशन इस किताब को आप पढ़ भी लीजिएगा नहीं पढ़ सकते तो कुकू एफ से आप इसे ऑर्डर कर दीजिए या मतलब कुकू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सी बी एस आर टी फिफ्टी सी बी एस आर फिफ्टी ये मेरा कोड है स्क्रीन पर दिया हुआ है इसको आप कॉपी कर लीजिए स्क्रीन ले लीजिए एंड मेक श्योर दैट आप इस ऑडियो बुक को सुने और ऐसी एक नहीं तीन हजार प्लस ऑडियो बुक्स हैं दोस्तों सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी सुने अब दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपके और आपके हीरो के बीच में मैं ज़्यादा देर नहीं रहूंगा आइए दोस्तों स्वागत करते हैं उस पर्सन का जिनसे जब मैं मिला पहली बार जब मैं मिला तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्यारा दोस्त है जब मैं पहली बार मिला तो एक अजब की एनर्जी पूरी बॉडी में से निकल रही है जब जब उनके वीडियोस मैं देखता हूं जब जब उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का और मेरे ही नहीं हजारों लाखों लोगों के मोटिवेटर रहे हैं और ना सिर्फ मोटिवेटर रहे इनकी जर्नी भी बड़ी छोटी सी जगह से शुरू हुई छोटी सी जगह से शुरू होने के बाद इन्होंने इन्होंने जहां ये गए जिस जगह पे ये गए उस स्टेज पे ये छा गए मैंने आपको आज सुबह शुरू किया था प्रोग्राम और कहा था कि जहां जाओ वहां छा जाओ क्या कहा था मैंने जहां जाओ वहां छा जाओ अगर इस कहावत को आपको पूरी तरह से देखना है तो हर्षवर्धन सर को देखना होगा क्योंकि वो जब कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे छा गए थे क्रिकेट में नंबर वन जो जो काम किया उन्होंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा नंबर वन नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल करवाने के लिए यहां तक कि जेल जाना पड़ा ही वॉज अहेड ऑफ एवरीबॉडी आज मोटिवेशन की दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो नंबर वन पैसे बनाने में नंबर वन जहां गए वहां छा गए दोस्तों आइए सभी लोग मिलकर हर्षवर्धन सर का स्वागत करते हैं क्योंकि इनसे सीखने के लिए हजारों चीजें हैं और आने वाला पूरा सेशन हर्षवर्धन सर लेंगे तो मैं चाहूंगा बहुत ही तालियों के साथ बहुत जोरदार गड़गड़ाहट के साथ लेट्स वेलकम दन एंड ओनली द चैंपियन मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर हर्षवर्धन जैन सर नमस्कार सर कैसे हैं आप नमस्कार जबरदस्त सर <laughs> शानदार जोरदार जबरदस्त सर बड़ा मजा आता है आपसे मिलके और आ... इस प्लेटफॉर्म पे दूसरी बार आपने अपना समय दिया उसके लिए दिल से आभारी हूं और इस समय ये प्रोग्राम सर 26वें दिन में है 28 दिन का ये फ्री मोटिवेशनल प्रोग्राम है और आई एम सो हैप्पी देखिए दोस्तों सबसे पहले सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को कॉल करने के पहले मैंने हर्षवर्धन सर को कॉल किया था क्योंकि इनसे बड़ी आत्मीयता सी है लगाव सा है तो मैंने कहा सर आपको समय देना पड़ेगा इस पूरे महीने हर्षवर्धन सर बहुत बिजी थे घर में शादियां थी मकान का काम चल रहा था और कई सारे ट्रेनिंग असाइनमेंट्स थे मैंने कहा सर आपको समय देना ही होगा और सर ने बहुत अपना कैलेंडर सर्च करके 26 का डेट मुझे सबसे पहले दिया था एंड आई एम सो हैप्पी देखिए तीन महीने पहले से प्लानिंग ये बात हमारी शायद हुई थी फरवरी में ओके और फरवरी के बाद उसी समय से तीन चार महीने का कैलेंडर बुक यानी कि जो शख्स अपने समय की सबसे ज्यादा वैल्यू करता हो और अपने आप को इतना प्लान रखता हो वो हमेशा आगे जाएगा और उनसे सीखने के लिए लाखों चीजें हर्षवर्धन सर आपके और ऑडियंस के बीच में ज्यादा नहीं होगा स्टेज इज ऑल योर सर यू कैन इंस्पायर ऑल ऑफ अस अस एंड शेयर विद आपकी जो भी विजडम है बहुत ही पावरफुल हमें लगेगा सर थैंक यू यू थैंक भूपेंद्र सर मैं हर्षवर्धन जैन पूरी दुनिया के जितने लोग सपनों की चाहत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं दिल से शुक्रिया आप सभी ऑडियंस को आप सभी लोग जो जीवन में कहीं ना कहीं इस बात पे विश्वास रखते हैं कि एक बुझा हुआ दीपक भी अगर किसी जले हुए दीपक से रोशनी लेता है तो वो ऊर्जा को कई गुना लेवरेज कर सकता है और भूपेंद्र सर तो वही काम कर रहे हैं उन्होंने में आज हर इंसान उस चीज से जुड़ने में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूं इस सेशन में अभी भूपेंद्र सर जिस गर्म जोशी से बुलाते हैं ना ऐसा लगा मुझे आज जैसे हम लोग फिजिकली कोई मीटिंग कर रहे हैं और स्टेज पे आपने मुझे इनवाइट किया थैंक यू सर जबरदस्त होस्ट है आप वाकई में माइंड ब्लोइंग शानदार जोरदार सर थैंक यू सो मच सर सर ने कहा हमने फरवरी में बात की थी सही कहा सर आपने फरवरी में बात हुई थी और मेरी जो सिचुएशन थी फेबर में वो इतनी टफ थी कि मैं उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि अभी भी दो तीन चार महीने लगातार और लगातार ट्रेनिंग्स 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 ट्रेन रहेगी और संयोग देखिए आज के दिन भी हमारे पास एक ट्रेनिंग आ रही थी वसई से मैंने कहा नहीं एक बार कमिटमेंट हो गया भूपेंद्र सर से तो आज तो बस आप लोगों के साथ ही टाइम को जबरदस्त तरीके से लेवरेज करना था तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर सर क्या वन वे ट्रैफिक चलाना है क्या यस सर वन वे ट्रैफिक क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि आपसे पूरा नॉन स्टॉप सुनू आ, एंड ये बहुत ही मजेदार होगा क्योंकि आपके अंदाज में जब हम कुछ बातें सीखेंगे तो शायद एक भी ज्ञान का मोती ऐसा मिला जो कि पूरी जिंदगी बदल देगा तो मतलब मुझे तो पता है कि पूरे तीस मिनट ज्ञान के मोतियों से भरे होंगे लेकिन हर आदमी को कम से कम एक तो बहुत जबरदस्त मिलेगा ये मुझे इतने सालों का अनुभव है आपकी टॉक सुनने का सो यस सर वन वे ट्रैफिक ही चलाइए राइट सर बचपन से सर एक चीज थी जो प्रकृति ने मेरे को फेवरेबल दी कि मैं कुछ भी अनोखा होता था और कुछ भी यूनिक होता था तो जिज्ञासु होकर देखता था चौंकता था और समझने की कोशिश करता था बहुत बाद में समझ में आया मुझे कि दुनिया के सारे सीखने वाले लोगों में ये पहला गुण होता है कि वो जिज्ञासु होते हैं और जब मैंने पहली बार ये बात पढ़ी ना कि एप्पल तो बहुत लोगों के ऊपर गिरा मतलब हमारे बाप दादाओं पे भी गिरा था लेकिन जब जब न्यूटन पे गिरा और उसने उस चीज को इतना ज्यादा जबरदस्त गहरे से ले लिया कि नहीं गिरा होगा तो कुछ कारण है तो ऐसे ही मैं भी एक गांव का देसी लड़का और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब अपने आप से प्रश्न पूछते चला गया तो बस एक चीज बहुत फेवरेबल होती गई कि मुझे हर बार ऑटो सजेशन भी अपने आप को पॉजिटिव दिया और क्वेश्चंस भी अपने आप को पॉजिटिव ही पूछे तो जब पहली बार गांव से निकलकर शहर में पढ़ाई करने के लिए गया जब मैं सेवंथ एट क्लास में तो सब कुछ नया नया था बहुत जिज्ञासु था बहुत जिज्ञासु तो मैं शेयर करता हूँ मेरी जिज्ञासा का क्या रहता है मतलब नजरिया आप देखे कि जब मैं पहली बार टेगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ने गया गांव से निकलकर शहर में तो मेरे सारे दोस्तों ने इंटरवल में एक आइसक्रीम ऑर्डर की तो मैंने भी वो आइसक्रीम ली उसका नाम चोकोबार था तो मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी वो तो चोकोबार को जब सब लोग खाने लग गए तो मैंने कहा यार इसके ऊपर ये क्या है काला काला सा तो मैंने उसको उतार के फेंक दिया और सारे दोस्त मेरे ऊपर हंसने लग गए और जो आज भी मतलब साल पुरानी बातों पर आज भी दोस्त कहते हैं कि तू कितना रोमांचक होकर चीजों को इतना सेंसेज के साथ देखता था समझता था और रहता था उस बात पे अपने आप से कई बार बातें करता हूं कि तेरी जिज्ञासा ने तेरे को हर बार एक चीज में हमेशा आगे बढ़ाया सीखने में तो वो ललक थी बचपन से सीखने की और आज आप जैसे दोस्तों का सहयोग मिल रहा है तो सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो जो सीखा वो लोगों के साथ अनुभव भी शेयर कर रहे हैं तो आज मुझे स्क्रीन पे बहुत लोग दिख रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग जो संख्या में बहुत ज्यादा हैं वो सुन रहे हैं तो आप सब लोगों को मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ मेरे गुरुओं ने मेरे दुनिया के सक्सेसफुल लोगों से मैंने जो सीखा उन सबका ऋणी हूं मैं और कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कल से मैं सोच रहा था कि मैं जब सर के साथ जाऊंगा तो बात क्या करूंगा तो मैंने देखा शो के नाम में बहुत कुछ बहुत माल छिपा हुआ है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इसमें इतना माल है कि मैं तो अगर इसकी भी घुटाई करने लग जाऊं तो बहुत आनंद आएगा तो जब तीनों शब्दों के ऊपर अपने आप से प्रश्न पूछे गए तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा कि क्या दुनिया में मैजिक पहला वर्ड है मैजिक क्या इसका अस्तित्व है क्या इसकी सत्ता है क्या जादू जैसा प्रकृति में और कहीं ना कहीं है क्या कुछ ना कुछ ऐसा जो जादू का आभास कराता है जो संवेदनाओं से कहीं ना कहीं स्पर्श कर सकते हैं हम लोग तो पहले तो मैं मैजिक के ऊपर आपसे बात करूंगा फिर थिंकिंग ने जीवन में कैसे मेरे बदलाव किया और मैंने कितने ही लाखों लोगों के जीवन में उनकी सोच की वजह से परिवर्तन होते हुए देखा है और वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह के परिवर्तन होते हुए देखा है और आखिरी वर्ड तो बहुत करीबी है मेरे रिच मानवीय संसाधनों में सबसे भारी टूल जिसका नाम है धन दौलत अगर वो किसी इंसान को रूट कोच पता चल जाए कि दौलत को कमाने के रास्ते क्या है अर्जित करने के रास्ते क्या है बस इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर आज बात करूं मैं भूपेंद्र सर ऑल राइट right. तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सर मैंने अपने आप से बहुत बरसों पहले पूछा था कि प्रकृति में कुछ तो अंधेखी अनजानी शक्तियां हैं कुछ तो अदृश्य पावर है तो मैं अपने आप को पूछता था क्या ये बिजली जो होती है वो दिखती नहीं है लेकिन इसका अस्तित्व कैसे है अस्तित्व कैसे है तो बहुत कम उम्र में जब पहली बार मेरे बिजली का तार को टच किया तो मेरे रोम रोम को पता चला कि जो चीजें दिखती नहीं है ना उनमें पावर बहुत खतरनाक होती है भाई तो तब से सब बिलीव था भैया ध्यान रखना हर्ष जो चीजें अदृश्य है उनमें पावर बहुत है जो अदृश्य है उनमें पावर बहुत है और जब मैजिक को लाइट में देखना चालू किया तो समझ में आया इस दुनिया में जब भी कोई घटना ऐसी हो जो एक इंसान के हो सकने की सामर्थ्य से बाहर होती हो जो हो सकती हो लेकिन होने में साधारण नहीं हो हर जगह नहीं महसूस होती हो और वो सामर्थ्य से बाहर हो तो जब ना हो सकने वाले कामों को हम होते हुए देखते हैं तो प्रकृति कहती है जादू है जादू है भाई जादू है अगर जादू नहीं होता तो विज्ञान कहती है नो डेसिबल से ऊपर दर्द हो जाए तो इंसान मर जाता है और एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम बारह डेसिबल दर्द सहन कर जाती है ओहो कुछ तो जादू है भाई कुछ तो जादू है जादू है जब हम ये देखते हैं कि इस प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या किन लोगों ने की अरे रे उन्होंने जिनकी आंखें नहीं थी अरे भाई जादू है रे जादू है, है। खतरनाक जादू है हो नहीं सकता मतलब आंखों से अंधे और प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करने वालों में जब हेलन केलर और मिल्टन का नाम आता है तो मानने को दिल करता है ओ हो हो, है दृश्य चीजों का अस्तित्व है, जादू का अस्तित्व है जब पूछते हैं कि सबसे तेज कौन दौड़ा तो लोगों ने कहा जिसने वर्षों प्रैक्टिस की होगी वो दौड़ा अरे रे जिसके टांगे नहीं थी भाई टांगे नहीं थी और जो रोड से दौड़ा क्योंकि बच्चे की मौत की खबर सुनने के बाद जो अंदर से ताकत निकली वो जादू के समान थी वो जादू के समान थी पचास सौ किलो वजन नहीं उठाता जिस माँ से मिनी ट्रक उठा दिया कब जब बच्चा ट्रक के नीचे दब गया भाई अरे जादू है भाई अस्तित्व है मान लो भूपेंद्र सर की बात प्रकृति में रोम रोम अणु अणु में जादू है भाई जादू है जादू है सर वो शिवाजी महाराज के राज में खिरकनी नाम की छाछ और दही बेचा करती थी और किला बंद होने का समय होता था पांच बजे अंदर बेचते बेचते रात हो गई और पता ही नहीं चला खबर लगी कि द्वारपाल ने गेट बंद कर दिया जब गेट बंद हो गया तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया मेरा डेढ़ साल का बच्चा बाहर है मुझे जाने दो मैं कैसे उसको संभालूंगी नहीं तो वो कैसे संभलेगा द्वारपाल ने कहा नहीं हो सकता कानून है कि ये गेट बंद होगा गेट बंद हो गया शिवाजी महाराज नहीं थे और वो इतनी तड़प गई रात को आठ नौ बजे तक तो कि द्वारपालों ने जब उसे जाने नहीं दिया तो थोड़ा दूर जाते जाते किले की दीवारों के पास पहुंची और वहां से कूद के वापस चली गई और जब दूसरे दिन सुबह कूद गई वहां से और चली गई और जब दूसरे दिन द्वारपाल को दिखा कि वो गेट में वापस आ रही है तो उसने पूछा तू बाहर कैसे गई कि तुमने तो जाने नहीं दिया भैया मैं तो उधर तुम्हारी एक दीवार थी उस पर से कूद के निकल ली तो जब उन्होंने कहा कि तू कौन सी दीवार पर से कूद के गई है देखिए दिखा अंदर लाके जब दिखाया तो पता चला उस गहराई को देखकर हिरकणी ने देखा और जैसे ही हिरकणी ने देखा कि मैं यहां से कूदी थी डेथ हो गई जादू है कैसे कूदी जिस गहराई को देखने मात्र से डेथ हो गई उसको कूद के गई गर्भवती कुछ तो प्रकृति में अदृश्य दृश्य है जिसमें पावर है जिसमें शक्तियां हैं और जब ऐसे काम होते हुए हम देखते हैं जो नहीं हो सकता साधारण युग में नहीं किया जा सकता ये नहीं हो सकता जब लॉजिक चीख-चीख कर कहे भैया ये नहीं हो सकता समझ लो जादू है जादू तेरी नजर ये वो वाला नहीं है भाई ये प्रकृति से बातें करने वाला म्यूजिक है जादू तो है सर मजा आ गया भूपेंद्र सर आपने जो शो का नाम दिया है ना मजा आ गया मजा आ गया सर तो एक तो बात जो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रकृति के रोम रोम और जर्रे जर्रे में जादू है और आपकी आवाज में भी जादू है और अभी तक सर जो जादू हमें समझ में आया दैट इज इनक्रेडिबल सर इनक्रेडिबल थैंक यू सो मच सर कैरी ऑन सर अब अब हर्षवर्धन सर अपने फ्लो में आ गए <laughs> मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं एक आशावादी इंसान जो प्रकृति पर ये विश्वास करने लगता है कि जादू है क्योंकि प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती तो आपको पहला विश्वास तो अपनी श्रद्धा में करना होगा क्योंकि जादू का सब्जेक्ट लॉजिक का सब्जेक्ट नहीं है इस प्रकृति में चार अकाउंट है हमारी जिंदगी में ज्ञान है श्रद्धा है चारित्र है और प्रवृत्ति है एक अकाउंट दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है तो ज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है जादू ये मैजिक का सब्जेक्ट जो है वो श्रद्धा का सब्जेक्ट है वो आपकी विश्वास और फेथ का सब्जेक्ट है तो आज आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो इस बात पर अटूट श्रद्धा करना प्रकृति जादू से भरी पड़ी है लेकिन मिलेगा उसको दिखेगा उसको महसूस उसको होगा जिसकी पूरी जागरूक होके काम करेगी कि प्रकृति में जादू है पहली बात जो मुझे आपसे कहनी थी विश्वास करना मैजिक है अभी दूसरी बात मैं आपसे करता हूं कि अगर आपको जिंदगी में थिंकिंग के बारे में अगर कुछ अपने जीवन पर लागू करना है महसूस करना है कुछ परिवर्तन देखना है तो एक कोटेशन बोल रहा हूं अगर बदलनी है आपको वो चीजें जो दिखती है बदलनी है वो चीजें जो दिखती है नेम फेम गाड़ी बंगला यश मान सम्मान इज्जत शोहरत ये दिखता है भाई दिखता है अगर बदलनी है उन चीजों को जो दिखती है तो बदलना होगा उन चीजों को जो नहीं दिखती है जो नहीं दिखती है क्या नहीं दिखता अरे आपकी जिंदगी के जो वो रूल है जो इंटरनल है जो अखंड है जो जो अकाट्य है वो रूल्स नहीं दिखते हैं जैसे यातायात का रूल है दिखता है जैसे कानून की किताबों में जो रूल लिखे हैं दिखते हैं लेकिन अखंडता का रूल नहीं दिखता इंटेग्रिटी का रूल नहीं दिखता लॉ ऑफ एक्सीडेंट नहीं दिखता ओहो लॉ ऑफ बिलीफ नहीं दिखता लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखता लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन नहीं दिखता ये नई दिखने वाली चीजें बेहद खतरनाक होती है इसलिए बदलना है अगर दिखने वाली चीजें कार नहीं है कार दिखेगी लेकिन आएगी ऐसे नहीं नेम फेम गाड़ी बंगला इज्जत शोहरत जो भी जीवन में दिखता है भैया अगर वो चाहिए तो बदलना क्या पड़ेगा जो रूट कोज है अरे रे, अगर फ्रूट्स को चाहिए फ्रूट्स बदलने तो रूट्स के ऊपर पानी डालना होगा रूट्स को सींचना होगा और मैं तो बरसों से बरसों से मानता हूं और हजारों बार लोगों को बोला है ट्रेनिंग्स में में सब जगह जिसने अपने जीवन के गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में परिवर्तन कर लिया वो कमाल करता है लेकिन हो नहीं पाता दुनिया के साढ़े सात सौ करोड़ लोगों में से नाइनटी फाइव परसेंट लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से पे पूरी ताकत लगाते हैं इससे कमाना और कमाया हुआ इसी को दे देना जो कमाते हैं इससे रोटा कपड़ा मकान फिर देवी इसको देते हैं तेरा तुझको अर्पण लिया इससे दिया इसको लेकिन दुनिया के कुछ परसेंटेज लोग गर्दन से ऊपर वाले हिस्से पे काम करते हैं जो ये बोक्स काम कर सकता है मेरे वाला तो चकाचक रहता है भैया ये जो बोक्स काम करता है ना ये मेरेकल वो मैजिक जब थिंकिंग से मैच खाता है तो मेरेकल होता है तो कमाल होता है फिर वो बदलता है जो दिखता है कौन सा बदलने से जो नहीं दिखता है अपनी सोच की उन रूट्स को बदलना होगा कयामत मत करनी होगी मैंने बहुत सालों पहले एक सक्सेसफुल इंसान की बुक पढ़ी थी शायद डॉक्टर विश्व रूपा चौधरी होंगे मे भी वही होंगे उन्होंने एक चीज कही थी कि जब इंसान की सोच इंटेंसिटी के साथ तेज तीव्रता के साथ सोचता है तो एक साइंटिफिक एक अभिक्रिया होती है और क्या होता है आपकी सोच इमेज में बदलती है भैया इमेज में बदलती है जिस इंसान ने अपनी सोच इमेज में बदल ली तो फिर पूरी क्वांटम फिजिक्स आपके साथ लगकर कहती है कि न्यूरोपेप्टाइड्स नामक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई दोबारा दोबारा थोड़ा भारी हो गया दोबारा सोच सोच कुछ चाहिए जैसे अभी सर बोल रहे थे कि मैडम ने अपना कैंसर ठीक कर लिया अरे क्या किया होगा कौन से अदृश्य पावर ने ताकत लगाई होगी किन चीजों ने काम किया होगा वो किन चीजों ने उनकी सोच ने इमेज क्रिएट की होगी जैसे ही इंटेंसिटी तीव्रता के साथ इंटेंस सोच को सोचते हैं तो जबरदस्त क्रिया होती है और क्वांटम फिजिक्स काम करती है क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब जब कोई सोच इमेज में कन्वर्ट होती है तो इमेज में कन्वर्ट होने से न्यूरोपेप्टाइड्स नामक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है मतलब एक परमाणु में कन्वर्ट होती है सोच इमेज से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुई तो करामत होता है भैया कयामत होता है फिर वो सब होता है जो पिछले छब्बीस दिन से इस शो में हो रहा है फिर वो होता है जो दुनिया में लोगों ने चौंकाया है फिर गरीबी के डंडे पड़ते हैं फिर भारतीय है पीछे पीछे फिर होता है कुछ कयामत जैसा आपको अपने जीवन में अपनी सोच को तीव्रता के साथ सोचना होगा जो भी चाहिए जैसे मेरी उम्र सात साल थी लोगों को मैं जब बाइक चलाते हुए देखता था तो मैं तीव्रता के साथ खेचता था इस बात को हरे रे मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चले ऐसी बाइक लेके आऊंगा ऐसी कार लेके आऊंगा जो जबरदस्त कयामत ढाने वाली होगी बीस बरस की उम्र में जब दाढ़ी थी अरे रे मर्सिडीज बेंज रेड कलर का पोस्टर लगाया वो लगा तो बाद में फिजिकली बाद में लगा लेकिन न्यूरोपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल यहां पहले कन्वर्ट हुआ और वो जब कन्वर्ट हुआ तो काम जबरदस्त हुआ आपका भी काम होगा मैजिक थिंकिंग तीव्रता के साथ सोचना है और आज लेसन दे रहा हूं मैं आप सब लोगों की सोचना क्या है जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट ओहो जो आपको यहां तक ले आया ना यहाँ तक जहां तक आप आए हैं जो यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता उसकी बेचारे की लायकात इतनी है जो नॉलेज यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा आपको दुनिया में किसी न किसी गुरु से किसी मार्गदर्शक से किसी पुस्तक से अपने आप को समर्पण करना होगा भाई एक लव्य बनना होगा जो नॉलेज यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता जो एटीट्यूड यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता जो स्किल्स यहां तक ले आई इससे आगे नहीं ले जा सकता जो कॉन्फिडेंस यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता रे जो जालिम कपड़े यहां तक ले आए इससे आगे नहीं ले जा सकते जो स्कूटर जो कार जो व्हीकल जो संसाधन यहां तक ले आए वो इससे आगे नहीं ले जा सकते तो करना क्या होगा जैसे हर फूड प्रोडक्ट के ऊपर और हर मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहता है भैया इसकी एक्सपायरी डेट है इसकी एक्सपायरी डेट है ऐसे ही हमारी सोच की जब जब एक्सपायरी डेट होती है तो ताकत लगानी होगी कि अपने भीतर नया मानव कैसे इंस्टॉल करें अपने आप को हर बार नया चार्जिंग कैसे देवें अपने आप को हर बार कैसे बाउंस करें, ये कैसे होगा सांप भी महीने में अपनी केचुली छोड़ देता है और नया पन ले आता है पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों को हर साल छोड़ देते हैं और नया पन ले आते हैं नए अंकुर फूटते हैं फिर हम वर्षों से सड़ी हुई सोच के साथ जिंदगी जीते कैसे जीते कैसे जिस दिन मैंने भूपेंद्र सर ये कोटेशन पढ़ा ना जो आपको यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता तो मैं तो क्या बहुत ज्यादा अटैच हो, हो जाता हूं मैंने उस दिन बाद जयपुर में कपड़े सिलवाना बंद कर दिया मैं अब मुंबई जाता हूँ कपड़े सिलवाने क्या बात है सर <laughs> अभी इस बात का मतलब क्या मैं अपने आप को ऑटो सजेशन देता हूं कि जो तूने जीवन में सीखा वो अप्लाई किया कि नहीं किया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो आपको यहां तक ले आया आगे नहीं ले जा पाएगा भगवान श्री रामचंद्र जी को भी पहली बार में ही सीता जी के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिला था पहली बार में नहीं हुआ था कितनी ही चीजों ने माध्यम बनकर वहां तक पहुंचाया था वो सारे संसाधन मिलकर आपको जीतने में मदद करते हैं आपको सोच को पूरी तरीके से ताकत लगाकर इस बात पे इंटेंस फोर्स लगानी होगी जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा मेरी इंग्लिश तो भूपिंदर सर आप जानते हैं कितनी कयामत है मेरे को पकड़ में नहीं आती थी जब मैं 2018 के बाद स्वप्न देखा कि मुझे महीने का रोकड़ा में एक करोड़ ब्रेक करना है ऐसा सोचने की तैयारी की थिंकिंग करना चालू किया फोर्स के साथ सोचना चालू किया मैंने कहा जो किताबें तुझे यहां तक ले आई इससे आगे नहीं ले जा पाएगी हिंदी की किताबें ऑलमोस्ट जीरो सी हो गई पढ़ना चालू कर दिया भाई पढ़ना चालू कर दिया ये कैसे हुआ जब अपने आप को पूरे प्राणों से ये यकीन दिलाए जो तुझे तक ले इससे आगे नहीं ले जा सकता जो सोच आपको तक इससे आगे नहीं ले जा सकती प्रॉब्लम तब आती है जब सोच ऐसी हो कि अपने जीवन की समग्र ऊर्जा का 80 प्रतिशत तो नेगेटिव फोर्स पे जाता है और बचा हुआ कुछ अगर अच्छी संगत मिल जाए तो कुछ कमाल कर सकते एक गरीब आदमी था भूपेंद्र सर और गरीब होना कोई पाप नहीं है परिस्थिति प्रकृति करवा देती है लेकिन उसको मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा पाप है नहीं करना चाहिए तो सूखी रोटी थी उसके पास कुछ था नहीं सूखी रोटी थी उसकी कोर को तोड़ता था और यूं लगा लगा के खा रहा था कोर तोड़ता लगा लगा के खा रहा तो एक सज्जन ने पूछा अरे भाई क्या कर रहा है भाई साहब गरीब आदमी अरे वो तो दिख रहा है तो ये क्या कर रहा है ये बता भाई साहब कुछ है नहीं रोटी के ऊपर कुछ लगावन है नहीं लेकिन ऐसे सोच रहा हूं कि चटनी लगी हुई है और मैं चटनी के साथ खा रहा हूं उसने कहा जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन बर्फी काजू ये क्यों नहीं सोच रहा भाई कि साहब फाइल सपोर्ट नहीं करती चटनी से ज्यादा फाइल सपोर्ट नहीं, नहीं करती क्यों नहीं करती क्यों नहीं करती ये बात जिस दिन अपनी अंतरात्मा से कोई इंसान सोच ले ना कि जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता जो लोग जो दोस्त दो जो सारी चीजें आपको घेरे हुए कहता हूं, तो एक बार मेरी ट्रेनिंग हो रही थी राहुल केला में हाँ राहुल केला में तो एक आदमी खड़ा होकर बोला तो सर फिर आप कह रहे हैं कि जो आपको यहाँ तक लाया नहीं ले जा सकता पत्नी और बच्चों का क्या करना है इनके बारे में आपको क्या मैंने कहा भाई मैंने कहा इस बात का संबंध ये नहीं है कि मैं कुछ चीजें बदलवा रहा हूं मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो जो जिसमें और निखार ला सकते हो जो ओवर यूनिक बन सकता है और पॉलिश हो सकता है जिसके धार लग सकती हो वो तो आपको और निखारना होगा तो आप चाहे स्टूडेंट हैं अरे जंप मारेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे आप प्रोफेशनल आप और आपके आसपास की भीड़ को आप ओवरकम करके आगे आ है आप जो भी हैं आप सीधा एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं सर पत्नी जिन जिन सब्जियों को रोज बनाती है जैसे दाल खा खा के खा खा के पति का दिमाग खराब हो जाता है और अचानक एक दिन पति कहता है भाई ये दाल में थक गया और पत्नी को ये बात समझ में आ गई मेरी वाली की जो यहां तक ले आया वो आगे नहीं ले जा सकता और उसने जीरे की जगह उस दिन उसने राई डाल दी अब वो पति किधर से लाई फाइव स्टार होटल से लाई क्या तू जीरे की जगह राई हुई कभी हरी मिर्च हुई कभी लौंग हुई कभी कभी सौंप हुई कभी मेथी हुई इतना सा बदलाव भी हिला देता है इतना सा बदलाव भी ध्यान आकर्षित करता है मतलब जो आपको यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा आपको अपनी थिंकिंग पे काम करना होगा प्रकृति में मैजिक है विश्वास करना होगा थिंकिंग पे काम करना होगा कैसे इंटेंसिटी के साथ तीव्रता के साथ सोचना होगा वो कौन सी चीजें हैं जो बरसों से बरसों से मैं कई बार मीटिंग्स में लोगों को कहता हूं कि ये सूट कब लाए थे भैया तो कहते तो सर मैं जब घोड़ी पे चढ़ा था ना 1990 में मैं तब लाया था भैया कुछ चीजों को पॉलिश करो कुछ चीजों को निखारो जो आपको यहां तक लाया यहां तक लाया आगे नहीं ले जा पाएगा दूसरा सब्जेक्ट हुआ थिंकिंग। अभी समय है सर? सर, टाइम आराम से क्योंकि तीसरी चीज जबरदस्त है सर क्योंकि तीसरा आप ये समझो ये धन और ये दौलत मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच दोस्तों इस दुनिया में जब तक आप धनवान बनेंगे नहीं हेलो जब तक धनवान बनेंगे नहीं तब तक धन कितना व्यथ है ये पता चल ही नहीं सकता बहुत भारी हो गया फाइल सपोर्ट भी करेगी कि नहीं करेगी मुझे पता नहीं चलो 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 दरअसल क्या है कि बहुत सारे लोग सुनते होंगे तो जो जीवन का परम लक्ष्य है और परम गोल है वो ये बात करते टाइम याद दिलाना जरूरी है अपने आप को सजेशन देना जरूरी है पहले ये तो बताऊं दौलत आएगी कैसे दौलत अब तक जितने लोगों को मिली है उन सब गुरुओं ने उन सब सक्सेसफुल लोगों ने सिखाया है हमें भैया ये वो परमाणु हैं जो सोच के साथ आकर्षित होंगे और वो न्यूरोपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल की हेल्प के साथ फिर भौतिक वस्तुओं में कन्वर्ट होंगे और फिजिकली उनकी सत्ता आएगी तो क्या करना होगा मैं अपने जीवन में मैं बचपन से बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता हूं भूपेंद्र सर तो मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे आसपास के लोग कहते थे कि तू ये किस बल पे करता है इक्कीस बल पे तू बड़ी बातें करता है वो कौन सी चीज है तेरे पास जिसके बल पे ये करता है मैं बचपन से कहता था सर कि मेरे पास सिर्फ एक चीज है सेल्फ डिसिप्लिन पर्सनल मैनेजमेंट जिसके बल पर बचपन से बोलता था आज भी बोलता हूं मरते दम तक बोलता आऊंगा मेरे पास पर्सनल मैनेजमेंट मेरा सेल्फ डिसिप्लिन जबरदस्त है आपको भी अगर धनवान बनना है तो अपने जीवन के उन हिस्सों में जहां लीकेज है इस पाइपलाइन में जो बहुत जगह लीकेज है ना उन लीकेज को कंप्लीटली स्विच ऑफ करना होगा आपकी भी गंगा भागीरथ के प्रयास से आएगी भाई वो कैसे आएगी दौलत के कुछ सिद्धांत है मैं आपको चार पांच बातें बताना चाहता हूं जिससे दुनिया के सफल लोगों ने सिखाया कि दौलतवान हम बने होंगे तो उनमें इन चीजों का जबरदस्त सपोर्ट रहा होगा कुछ कुछ थोड़ा बताता हूं बाकी 26 दिन महान गुरु लोग इधर आए हैं उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने पब्लिक के लिए और लोगों के लिए अपना अमूल्य समय दिया आप सब लोगों को हर्षवर्धन जैन का नमस्कार और आने वाले लोगों को भी जिन्होंने एक एक बीड़ा उठाया कि इस मानवता की कम्युनिटी को हमें कही न कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करना है बहुत अच्छा लगा और मैं भी महान सक्सेसफुल लोगों के संदेश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और मैं भी एक साधारण सा लड़का आज कामयाबी की चौखट को थोड़ा छूते छूते आगे बढ़ रहा हूं तो उसके सिद्धांत क्या रहे होंगे बहुत हैं बहुत सारे हैं लेकिन मैं तो थोड़ा नजदीकी बताता हूं जो मेरे नजदीक है क्योंकि बहुत सारे लोग आज टू वे कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से मुझसे प्रश्न भी नहीं पूछ पाए तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने पूछ अगर मुझे पूछते कि सर हम कामयाब कैसे हो इस फील्ड में इस फील्ड में इस फील्ड में भैया मैं कैसे हुआ वो देख लो थोड़ा राइट तो सर पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बड़े सपने देखने होंगे बड़े सपने देखने होंगे बड़ी भूख जगानी होगी अकबर के दरबार में भोजन चल रहा था और नवरत्नों को आदेश दिया अकबर ने भोजन शुरू किया जाए सबने चालू कर दिया लेकिन आप समझते हैं एक आदमी हमेशा कीड़ा करता था उसका नाम है उसने बोला साहब मैं खाना नहीं खा सकता क्यों काश वो होती तो अकबर ने कहा बाद में बता देना फालतू की बात मत करे पहले खाना खा नहीं काश वो होती तो अकबर ने कहा पहले बता कौन होती तो कि काश भूख होती तो ओ हो भूख के बिना अगर छप्पन भोग भी रखे हो तो भी खट्टी डकारे आएगी तो भी अपच होगी इसका मतलब तीव्रता के साथ भूख चाहिए भाई जिसको भूख है वो भोजन के पास खिंचा चला जाता है जिसको प्यास है, नदियां उसको दिखने लग जाती है जिसको जिस चीज की पूरे से प्यास और लगन है उसे वो कायनात दिलाने में मदद करती है जब आपकी समग्र शक्तियां किसी एक चैनल को पाने के लिए पूरी उडेली जाती है तो कायनात आपको सपोर्ट करने लग जाती है वो कायनात की हेल्प मैजिक है वो सोच इंटेंसिटी के साथ वो थिंकिंग है और अब अमली जामा कैसे पहनाना है बड़े सपने देखने होंगे भैया बड़े सपने देखने होंगे बड़े क्यों सपने देखने होंगे कोच बीएसआर सर हमें बहुत वर्षों से कह रहे हैं बड़े सपने देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं अपने आप को जिस तरीके से ऑटो सजेशन देता हूं मैं वैसे समझाऊंगा बड़े मतलब क्यों बड़े मतलब क्यों मैं आपको समझाता हूं लॉ ऑफ रबर बैंड से लॉ ऑफ रबर बैंड से यह सुशीला का रबर है जो चोटी में पहनती है सुशीला को जानते ही नहीं जानते आप जो नहीं जानते वो जानना चाहिए सुशीला मतलब कौन right. ये है रबर बैंड अमेरिका में सब्जेक्ट पढ़ाता है लॉ ऑफ रबर बैंड मैं अपने हिसाब से देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं व्हाट इज लॉ ऑफ रबर बैंड आप जहां हैं आप जहां हैं और, है। है, और जहां हो सकते हैं दोबारा दोबारा आप जहां हैं और जहां हो सकते हैं इसके बीच में अपने आप को फना कर दूंगा जहां है और जहां हो सकते हैं इसके बीच में फना करो क्यों क्यों ये रबर भी अपने जीवन में अपने अस्तित्व को तब जीवित रख पाएगा जब ये अपने आप को यूं करता है अगर सर मैं इसे यूं ही रखता हूं ना अगर यूं ही रखता हूं तो ना इसमें बाल जाएंगे ना नोटों की गड्डियां जाएगी ना इसमें कोई बोग जाएगा इसे यूं होना ही होगा यूं करना ही होगा यूं करे बिना ये हो नहीं सकता इसका भी अस्तित्व खतरे में है मैं आप सब लोगों से पूछता हूं अगर ये यू ना हो तो ये किसी भी के लिए रहा क्या? नहीं हो सकता तो जब ये भी इसको सोचा कि मेरे रहने का अधिकार नहीं इसको सुसाइड कर लेना चाहिए अगर ये यू ना हो सके तो और आप ये समझ रहे हैं कि सारी गालियां मैं इसको दे रहा हूं दरअसल ये इसको नहीं दे रहा भैया तो आपको पता चल गया मैं किसको दे रहा हूं अगर हम भी रुके हुए पानी की तरह सड़ने की तैयारी कर रहे हैं प्रकृति माफ नहीं करेगी और मैजिक नाम का कोई असर आपके साथ नहीं होगा जहां आप हो जहां हो सकते हो उस दिशा में अपने आप को लगा दो कोई स्टूडेंट है वो डॉक्टर होना चाहता है अब बची हुई जिंदगी में जब तक डॉक्टर नहीं बन जाए साला पुष्पा बन के झुकेगा नहीं जब तक डॉक्टर नहीं बनेगा ऐसा कमांड देना अपने आप ऐसा ऑटो सजेशन देना अपने आप क्या कह गया जहां हो जहां हो सकते हो एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो जब तक बन नहीं जाए तब तक जिंदगी के किसी और काम की तरफ ध्यान मत देना भाई एक आदमी जो गरीबपुर है अमीरपुर जाना चाहता है उससे पहले भटकना नहीं उससे पहले हिलना नहीं उससे पहले कुछ नहीं करना जिंदगी फना करना उस चीज के पीछे मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था राजस्थान कॉलेज का विद्यार्थी था और अचानक 29 सितंबर सन 2000 को मेरे पास बिजनेस आ गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और सिंपल सी बात जिस उम्र में बच्चे भटकते हैं जिस उम्र में बच्चे दोस्तों के साथ हंसी टाहा लगाते हैं जिस उम्र में बच्चे और कुछ ऐसे काम करते हैं जो करियर बिगाड़ भी सकते हैं मैंने उस उम्र में उन लोगों के साथ अपने आप को शामिल कर दिया जो लोग ग्रोथ कर रहे थे आपको और हमें अपनी जिंदगी में स्लो ऑफ रबर बैंड को फॉलो करना होगा जहां आप हैं और जहां हो सकते हैं इसके अलावा जिंदगी में कुछ सोचना नहीं कुछ करना नहीं बस आप जहां हो सकते हैं वहीं जाना इसलिए बड़े सपने देखने चाहिए सपने देखने चाहिए गुड बड़े देखने चाहिए बड़े जब मैं लोगों से पूछता बड़े क्यों देखने चाहिए तो लोग कहते हैं अरे भैया चांद चाहिए चांद अगर चांद नहीं भी मिला तो तारों में तो अटकेंगे बिल्कुल सही है जिस भाषा और जिस बोली में आपको आपका माइंड समझता होना वो ऑटो सजेशन आपको देना चाहिए जहां आप हैं और जहां हो सकते हैं आपको वहां के लिए फना हो जाना चाहिए एक बात पहली बात सपने बड़े देखने चाहिए लॉफ रबर बैंड मैंने एविडेंस के रूप में आपको बताया दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम जो इंसान अपनी जिंदगी में किसी मिशन पे हो किसी लक्ष्य की दिशा में हो और धनवान बनना चाहता हो तो सुबहों को जीतना होगा जो सुबहों को नहीं जीत सकता वो कभी धनवान बन नहीं सकता भारत का आदमी सांड की तरह जो 10 बजे तक सोता है और फिर उठने के बाद किता चायला चायला आइला माइला जायला तेरी चायला तुझे एक दिन खत्म करेला ये कब समझेला ये जो इंसान सुबह की ऊर्जा को नहीं समझ पाता भैया अरे दुनिया का हर सक्सेसफुल और कामयाब आदमी इसलिए कामयाब हुआ उसके पास भी 1440 मिनट थी आपके पास भी दिन के 1440 मिनट है लेकिन उसने सुबह के 3-4 घंटे एक साथ जीत लिए वो अपनी जिंदगी की दिनचर्याओं में लोगों से करोड़ों लोगों से सुबहों को जल्दी जीतने से आगे निकल गया आगे निकल गया रे आपको सुबहों को जीतना होगा सुबहों को जीतना होगा मैंने तो मेरे जीवन में जब करियर शुरू किया तो 18 18 घंटे लोगों के आमने सामने बैठने का व्यापार है मेरा तो मैं आमने सामने बैठना चालू किया सुबहों को जीता तो एक्स्ट्रा टाइम को लेवरेज किया और लोगों के साथ आमने सामने बैठा और बरसों अठारह 18 घंटे मेहनत करता था सर मेरी वाइफ मेरे गले की काली मिर्च का पूरा लेप करती थी ताकि सुबह आवाज निकल सके ये मेहनत मैंने मेरे पिताजी से सीखी है वो वेटनरी डॉक्टर है वो अट्ठारह घंटे आज भी सत्तर साल की उम्र में वो कयामत की तरह मेहनत करते हैं ये मेहनत मेरे को मेरे पिताजी से डीएनए में और लोगों की सेवा करना मेरी माँ के डीएनए से है मेरी माँ मेरी माँ खुद मतलब जब हम बचपन में देखते थे कि बारिश के दिनों में छत टपकती थी तो हमें सूखे में और खुद गिले में सोती थी ओ हो, हो तो मेरी प्राणों से एक प्यास होती थी जीवन में ऐसा काम करूंगा रे जिसमें लोगों की सेवा करनी पड़े तो फना हो जाऊं आपको सुबह को जीतना होगा और सुबह को जीतने में आपकी हिम्मत मेहनत और संगत काम करेगी सुबह को जीतना होगा पहली बात लक्ष्य से बड़े होंगे दूसरा सुबहों को जीतना होगा और तीसरा भटकाव नहीं चाहिए भटकाव नहीं चाहिए करोड़ों लोग जीवन में अमीरपुर की यात्रा के लिए रवाना होते हैं गरीबपुर से रवाना होकर अमीरपुर की यात्रा के लिए रवाना होते हैं लेकिन प्रकृति रास्ते में होशियारपुर भी लाती है रास्ते में ईगोपुर लाती है मोहिनीपुर कामिनीपुर दारूपुर लड़कीपुर लड़कापुर ये जो पुरपुर पुर नाम की ना पुर के स्टेशन आते हैं ना गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में साला जो उतर गया वो जिंदगी से भटक गया क्योंकि भूपेंद्र सर प्रकृति में एक नियम है एक कानून है यहां से वहां अच्छा लगता है दोबारा दोबारा यहां से वहां अच्छा लगता है नौकरी यहां कर रहा है वहां की नौकरी अच्छी लगती है काम यहां कर रहा है वहां का काम अच्छा लगता है अरे जो भी अवेलेबल है और यहां है तो वहां अच्छा लगता है लेकिन सुनो होता नहीं है भैया होता नहीं है जैसे अभी मई जून के महीने में दूर हाईवे पे गाड़ी चलाते टाइम पानी लगता है वहां है है होता नहीं है होता नहीं है तो नियम क्या कहता है लगता है होता नहीं है ऐसे आप अपने जीवन में जब अपने काम को करते हुए लक्ष्य से भटकते हैं और भटकाव आता है तो पाइपलाइन में लीकेज होते हैं और वो आपको जीवन में भटका देते हैं एक स्टूडेंट है चल रहा है सीधा चलते 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 नए शोक लग गए नई बातें लग गई नई हवाएं लग गई क्या बनने आए थे हो क्या गए एक बिजनेस करने वाला आदमी है करते करते कि नहीं ये मेरे वाला नहीं चलेगा ये वाला चलेगा अगर अमिताभ बच्चन भी एक्टिंग को छोड़ के सारंगी बजाने के काम में आता कैसे होता लता मंगेशकर भी अगर बजाने की, की बजाय बजाने पर आ जाती सचिन खेलने की बजाय फुटबॉल पे आ जाता ये नहीं हो सकता आपको अपने जीवन में जो काम एक बार प्राणों से चाह लिया वही पूजा वही मंदिर वही आराध्य है आपका थना हो जाओ उसके लिए भटकना नहीं चाहिए दौलत तब आती है बड़े सपने देखना होगा आपको जीवन की सुबहों को जीतना होगा आपको भटकना नहीं है गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा में कोई सभी पूरा जाए उतरना नहीं भाई अपनी मंजिल पे जाना और आखिरी बात अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाना अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाना सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आप तो श्रृंगार भी नहीं करते मैं ना डीओ ना पाउडर ना क्रीम लिपस्टिक लाली कुछ नहीं लगाता सर कुछ नहीं कुछ कोई एक श्रृंगार का आइटम नहीं लगाता तो लोग पूछते हैं सर बयालीस साल की उम्र में कच्ची कली बन के घूमते कैसे एक ही वजह, एक ही वजह है सर आपके भीतर का सौंदर्य जिन चीजों से महकता हो ऐसी थिंकिंग ऐसा मैजिक और स्वास्थ्य के कुछ बाहरी घटक जो भारत की प्राकृतिक चिकित्सा हजारों वर्षों से सिखाती है बस वो कर लो बस एक बात बतानी थी मुझे आपको दौलत का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है एक स्वस्थ चित्त मस्तिष्क एक स्वस्थ चित्त शरीर में ही एक स्वस्थ चित्त दौलत शोहरत निवास कर सकती है अरे रे, अगर अपना मकान सड़ा हुआ होगा तो इसके भीतर अपन रहने वाले भी सड़ जाएंगे तो ये शरीर है जितने लोग सुन रहे हैं और जितने फ्यूचर में सुनेंगे उनमें से नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों ने वो नाम सुना नहीं होगा क्योंकि वो सुनने से ही बहुत प्रॉब्लम आती है वो सुनने से तीन सौ रोग खत्म होते हैं प्रकृति से उसका नाम सुनने मात्र से दवाई कंपनी हिल जाती है हमारा क्या होगा भाई ध्यान से सुनिए उसका नाम है एकरमेन्सिया मुस्निफिला एकर्मेंसिया मुस्निफिला बायोलॉजिकल टर्म्स को बायोलॉजिकल तरीके से समझेंगे इसलिए वैसे ही बता रहा हूं आपके स्वास्थ्य को मैं एट्टी परसेंट मजबूत बना के जाऊंगा हमारे इस पेट के हिस्से में एक किलो चार सौ चार सौ ग्राम प्लस कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है एकरमेन्सिया मुस्निफिला सौ बरसों तक जीने में ये मदद करते हैं सौ बरसों तक इम्यूनिटी सौ बरसों तक ब्रेसिंग सौ बरसों तक हथियार लेके खड़े रहते हैं आपका लेकिन हम इंसानों को ये पता नहीं है कि जो सौ बरसों तक साथ देते हैं उन बैक्टीरियाज को जो हमारे लिए फेवरेबल है हमारे लिए पॉजिटिव है यही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी नदी को बहाते हैं तो इनकी रक्षा कैसे होती है इनकी रक्षा होती है पहले इनकी मृत्यु कैसे होती है वो सुनिए जब छह से आठ घंटे की नींद के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो ये किलकारी मारते हैं अरे मुझे भोजन दे दे भैया मुझे भोजन दे दे भैया मुझे भोजन दे दे वो भोजन के लिए तरसते हैं और हम लोग सबसे पहला भोजन उन्हें वो देते हैं जो भोजन उनको मारता है जो उनकी क्षमता को घटाता है हम उन्हें सबसे पहला भोजन देते हैं चाय कॉफी खाना करो ऐसे करो देते हैं कि नहीं देते मुझे देख रहे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं या जो जिधर भी है मेरी बातों से सहमत हो तो यूं करो सहमत नहीं हो तो यूं करो यूं यूं मत करो समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं हम 99 लोग अपना पहला फूड चाय लेते हैं अगर मैं आपको कहूं कि आज के बाद ये नहीं लेना तो आधे तो आज ही निपट जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा मैं कि चाय छोड़ दो और कॉफी छोड़ दो मैं तो ये कह रहा हूं पहला भोजन चाय नहीं पहला भोजन एसिडिक नहीं चाहिए पहला एल्केलाइन चाहिए हजारों वर्षों से भारत के लोग चाय भी पीते टाइम पहले ठंडी रोटी ले लेते थे क्यों क्योंकि उन्हें पता था जाने अनजाने में एकर मेंसिया उसको पहला भोजन ऐसे नहीं चाहिए आज के बाद जब भी सुबह उठो और चाय का कप हाथ में आ जाए मेरी बात याद रखना भैया पहले पानी का गिलास पी लेना अब पी लो पहला चाहिए पहला भोजन ऐसे पकड़ में पकड़ में समझ में पहला भोजन आपको चाय कॉफी नहीं लेना अभी क्या करना है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पानी से थोड़ा ऊपर चले जाओ तो पूरी बॉडी नब्बे दिन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी नारियल पानी तक अगर पहुंच सके तो मजा आ जाएगा यह है मेरी सेहत का राज मैं सुबह उठते ही हरियाणा वाला गिलास सबसे पहले यह लेता हूं लगभग एक लीटर कभी दो में भरता है कभी तीन में भरता है लेकिन तो यह है मेरे तो क्या किया जाए पहला भोजन जिस दिन आपने एल्केलाइन देना चालू कर दिया एकर मेन से हो जाएंगे आपका शरीर तंदुरुस्त होगा रोग पास नहीं आएंगे ऊर्जावान होंगे और लक्ष्य तक जाने में मदद मिलेगी तो तीन बातें आज आपके साथ मैंने शेयर की सर का शो है जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तो अब मैं कंक्लूड करता हूं कि आप प्रकृति के जादू पे विश्वास रखना अगर आपने ये काम किया जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए कई लोगों ने आपको बताया तो मैजिक होगा मां कसम मैजिक होगा आप ज्वाला बरसाएंगे भैया और दूसरा थिंकिंग सोच क्वेंसिटी के साथ अगर इमेज में कन्वर्ट किया तो quantum physics आपकी मदद करने के लिए तैयार है वो तैयारी कर रही है और सोचना क्या है जो यहां तक ले आया अगर घंटे करते हो आप आगे नहीं जा पाओगे बढ़ाना होगा अगर दस घंटे फील्ड में रहकर मेहनत करते हो नहीं होगा बारह घंटे जाना होगा जो आपको यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता और दौलत कैसे आएगी बड़े सपने देखने होंगे आपको भटकाव से बचना होगा सुबहों को जीतना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि तो एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दौलत पा सकता है बस मैंने अपने पूरी की पैतालीस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ वंदन करता हूँ थैंक यू सर दिल से शुक्रिया आप सब ऑडियंस को इतने प्यारे लोग जबरदस्त जबरदस्त लोग हैं भूपेंद्र सर और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ और सबके सामने को रख दे दिया था अभी सबको माध्यम बना के और साक्षी बनाकर आपने जितने कामयाब लोगों को और सक्सेसफुल मार्गदर्शकों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से कनेक्ट किया लोगों को एक जगह बिठाकर पूरी कम्युनिटी में जबरदस्त विस्फोट करते हैं सर, सर आपने है तो मैं आपको जिम्मेदार देता हूँ क्योंकि मैं कैप्टन अच्छा नहीं हूँ मैं खिलाड़ी अच्छा हूं आप लीड करिए तथास्तु सर मैं तथास्तु सर चुकेगा नहीं कहने के बाद ग्रेट सर मैं आपको वादा करता हूँ बहुत जल्द हम ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि 10 बीस हजार लोग एक साथ होंगे और हम सब लाइव एक ही मंच पे और इस तरह की जबरदस्त शुरुआत के साथ करेंगे दोस्तों एक बार सभी लोग मुझे पता है कि आप अपने अपने घरों में बैठे अपने परिवार वालों के साथ बैठे खड़े होके हर्षवर्धन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि देखिए कितने कम समय में इतनी जबरदस्त चीजें और हर्षवर्धन सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जो डायलॉग है ना सर वो जहन में उतर जाते हैं जैसे कि प्राणों से जब प्राणों से चाहत होगी तो सब कुछ हो जाएगा जो लोग कहते हैं दिल से चाहत होगी तो सब कुछ हो जाएगा लेकिन जैसे ही आप ये शब्द यूज करते हैं प्राणों से ये देसी शब्द लगता है सर और ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं गीता महाभारत भागवत हर जगह पे सुनते आ रहे हैं हर कथावाचक से सुनते आ रहे हैं तो ये इमिजिएट असर करता है एंड दोस्तों हर्षवर्धन सर ने जो जिंदगी जी है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे उन्होंने लक्ष्य लगाया हो और वो उन्होंने हासिल नहीं की हो तो जब वो बोलते हैं ना तो उनके अंदर उनका इतना जबरदस्त आत्मविश्वास झलकता है मैं आज भी याद है मैं पहली बार हर्षवर्धन सर से पुष्कर में मिला और इतफाक ऐसा हुआ कि मैं भी पुष्कर था उसी दिन मैंने फोन किया और वो भी उस दिन पुष्कर आए हुए थे हम पहली बार मिले यही मैजिक है सर <laughs> यही मैजिक है सर। और मेरा होना और मतलब पहली बार मैंने मेरे पास उनका नंबर आया मैंने फोन किया और हम दोनों पुष्कर में और तुरंत मिल लिए मतलब शायद फोन और मिलने में मुश्किल से कुछ घंटों का फर्क रहा होगा इतना डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन का हथियार सर बता रहे थे सर एक तो शाम को पांच बजे तक साढ़े पांच बजे तक खाना खा लेते हैं नंबर नंबर जब तक उन्हें ऐसा कोई जगह नहीं मिल जाए जहां मतलब शुद्ध खाना और सात्विक खाना है तब तक वो खाना ही नहीं खाते चाहे भूखे रह जाए रात भर तो ये जो डिसिप्लिन डिसिप्लिन सर का है वो ही उनकी बातों में झलकता है और वो डिसिप्लिन ही चमकता है आप सभी ने महसूस किया सर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि और बोलो सर आप तो रुक क्यों रहे हो और बोलते जाओ <laughs> 45 मिनट कहां चले गए पता ही नहीं चला इतनी ग्रेविटी इतनी ग्रेविटी और आपसे पर्सनली मैं एक चीज आपसे अभी सीख के जा रहा हूं सर मैं ना सब काम करता हूं मैं अपने स्वास्थ्य पे उतना ध्यान नहीं देता जितना आप दे रहे हो तो मैं आपको वादा करता हूं सब लोगों के सामने पहला चीज मैं चाय तो नहीं लेता पानी लेता <laughs> जैसे आपने कहा पहले पानी ले लो फिर चाय ले लो चाहे छोड़ता हूं तो छोड़ देता हूं लेकिन आज से मैं आपको ये वादा कर रहा हूं स्वास्थ्य पे मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख के बहुत आगे बढ़ूंगा अभी बहुत बड़ा कमिटमेंट तो नहीं लूंगा लेकिन छोटे छोटे आ, स्टेप्स जरूर हर साल लेता हूं लेकिन फिर भी छोड़ देता हूं बट मैं आपसे वादा करता हूं सर जो चीज़ यहां तक ले आई ना अब आगे नहीं ले जाएगी इसीलिए आज से ही ये गलती छोड़नी पड़ेगी सो दोस्तों आपने हर्षवर्धन सर से क्या क्या सीखा सारी चीजें आप अपने वॉल वगैरह पे शेयर करें हर्षवर्धन सर को टैग भी करें और दोस्तों ये जो विजडम है ना ये पैंतालीस मिनट में सर ने जो दिया है ये बयालीस साल का अनुभव एक्सपीरियंस कड़ी मेहनत 18 घंटे रोज काम करने की मेहनत के कारण आता है दोस्तों किसी ने अभी थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन सर लिखा था कि आप इतना स्पॉन्टेनियस इतना इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं ये सर बयालीस साल की तपस्या है ये तपस्या करने के लिए हर्षवर्धन सर हिमालय नहीं गए शायद लेकिन ये कर्म यू you नो know, कर्म स्थल पर की हुई तपस्या है दोस्तों कर्म स्थल पे जो आदमी तपस्या करता है गीता भी कहती है कर्म ही सबसे महान है और हर्षवर्धन सर ने भी हमें यही कहा कि ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने के बीच में किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सर so, जितना बोलू उतना <laughs> उतना कम है तो हम सब लोग हमारे अंदाज में आपको आ, आपको प्रणाम करेंगे द हाइएस्ट इन मी बाउस डाउन टू द हाइएस्ट इन यू मे इट बी दैपियस्ट लाइफ हैप्पीस्ट डे एंड हैप्पीएस्ट एनर्जी अराउंड यू ऑल द टाइम्स मतलब हमारे अंदर का देवता आपके अंदर के देवता को सलाम करता है प्रणाम करता है और आपकी जिंदगी का हर एक पल खुशियों भरा हो और आप हर एक घर तक पहुंचे हर एक व्यक्ति को इसी अंदाज में इंस्पायर करते रहें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सर थैंक यू सो मच हर्षवर्धन सर आपने ये इनविटेशन स्वीकार किया और ना सिर्फ स्वीकार किया आपने पूरे प्राण फूंके सर एक जाते जाते लास्ट बात मैंने बहुत पहले रॉबिन शर्मा की किताब में एक बार पढ़ा था कि अगर कोई परफॉर्म करे तो इस तरह से करे कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाए कि ये इतना जबरदस्त परफॉर्म कैसे करता है और वो झलक इस लास्ट 45 मिनट में हम सब ने आपके अंदर देखी सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच ये उपक्रम धन्य हो गया आपके यहाँ आने से धन्यवाद सर जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर से एंड बड़ा प्रोग्राम करेंगे एक साथ सर आप you, सभी sir. लोग भी आशीर्वाद दे दीजिए धन्यवाद सर जय भारत जय हिंद सर जय हिंद सर जय भारत सर थैंक यू सो मच सो दोस्तों ये आप सभी ने सुना हर्षवर्धन सर को देखिए कितनी गहराई होती है जब आदमी जीता है ना तो ही आती है ये गहराई और ये गहराई आपको लानी पड़ेगी और एक एक बात मैं तो अगर आपको ये व्याख्या करने लगू ये 45 मिनट की तो कितनी सारी चीजें कह दी उन्होंने सबसे पहली बात कही कि बाहर जो दिखता है आपको क्या चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए बाहर जो दिखता है उसको बदलना है तो वो बदलना पड़ेगा जो नहीं दिखता है और वो सब अंदर है इसके अंदर है ये बॉक्स है मतलब कितना कुछ कह दिया दोस्तों राइट मैं एक कमेंट पढ़ रहा था Uh, किसी का कमेंट आ रहा था कि भूपेंद्र सर ने मुझे हर्ट कर दिया कि जिस महिला का कैंसर ठीक हुआ उनका नाम क्या मैंने क्या बताया था शालिनी शालिनी नहीं, नहीं है सौरभ भाई प्रूफ देना मेरा काम है ओके okay? दोस्तों हमारे पास जो ऑडियो आया एज इट इज हमने नाम बताया सौरभ कैन यू प्ले द वीडियो ऑडियो क्योंकि मैं ना किसी को भी ऐसा क्योंकि उस बंदे ने हजारों बार कमेंट किया और उसने कहा मैं हर्ट हुआ हूं भूपेंद्र सर की इस बात से कि उन्होंने नाम गलत ले दिया तो एक एक काम करते हैं उस ऑडियो का पहला दस सेकंड सुन लेते हैं दोस्तों कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि एक आदमी जब इस तरह का कमेंट लिखता है और बार बार लिखता है तो 500 लोग उसे देख के हो सकता है उनके माइंड में कोई ना कोई थॉट आ जाए कैन यू जस्ट प्ले द ऑडियो फास्ट क्विक नमस्ते बी एस आर सर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट शालिनी हूँ महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ ग्रेट ओके okay, आप लोगों ने सुना हमें ने जो ऑडियो मिला उस ऑडियो में जो नाम बोला गया हमने एज इट इज बोल दिया दोस्तों बाकी उनका नाम कविता है शविता है ऋतिका है रमिका है नेल्सन है वेल्सन है आई डोंट केयर आई ओनली केयर किसी का कैंसर ठीक हुआ है पॉजिटिव सोचने से किसी का कैंसर ठीक हुआ है पॉजिटिव सोचने से, और पॉजिटिविटी नहीं प्राणों से पॉजिटिव हर्षवर्धन सर के अंदाज में प्राणों से पॉजिटिव सोचने से ये कैंसर ठीक हुआ है आज आपने ई करके एक गोल्डन मेथड सीखी है दोस्तों जिससे कि आपके कई बीमारियां और कई प्रॉब्लम्स कई चीजें सॉल्व हो जाएगी एंड एक एक इस इंटरव्यू को हर्षवर्धन सर के इंटरव्यू नहीं था सॉरी हर्षवर्धन सर की स्टॉक को कम से कम पांच बार सुनिएगा एक आपको पांच हजार टॉक सुनने की जरूरत नहीं है पांच सौ बार एक एक चीज सुनने की जरूरत है जब तक सुनने की जरूरत है जब तक ये परमानेंट ना हो जाए ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अट्ठाइस दिन जैसे गीता पढ़ सकते हैं वैसे ही इसको बना लीजिए क्योंकि गीता पढ़ के मुझे ही समझ में नहीं आई तो आई एम श्योर कई लोगों को समझ में नहीं आएगी बड़ी मुश्किल हो जाती है माँ वो श्लोक पढ़ना उसको समझना ये समझ लीजिए मुझे नहीं पता कि गीता में जो है वो सारा इसमें है कि नहीं है लेकिन ये जरूर है कि ये रेसिपी आपकी जिंदगी को जरूर बदल जाएगी एक लेवल पे जहां जो चीजें यहां तक लाई है वो यहां तक से आगे नहीं ले जाएगी तो ये जो 26 दिन आपने सीखा इसे जीवन में उतारना पड़ेगा घोटना पड़ेगा पीना पड़ेगा और अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचाना इसको पड़ेगा उसके बाद देखिए मेराकल्स ही मेरेकल्स होते हैं इतने मेराकल होंगे जो कि मजा आ जाएगा अब दोस्तों आखिरी चीज कल से से हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट शुरू हो रहा है 27, 28, 29, लेकिन फिर भी हम इसी समय पे बजे जो जो है, है, नहीं पहुंच पाए वो कभी और जरूर आने की संकल्प करके लीजिएगा जिंदगी में हंड्रेड चेंज होगा दूसरा आखिरी दोस्तों तीन मिनट बाद हमारे साथ सुधीर जी जुड़ने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर सक्सेस कैसे मिल सकती है अपने सिग्नेचर के एनालिसिस से यू you नो know, आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट आया था जब सुधीर जी दस तारीख को इस प्रोग्राम में आए थे तब आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर हमें इसके बारे में और इंटरेस्ट डिटेल में जानना है बट वो पंद्रह बीस मिनट के प्रोग्राम में वो ज्यादा उतना क्योंकि इस चीज को समझाने में और समझने में समय लगता है तो आप लोग सभी थोड़ा सा ये प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूं यहीं पर विद इन नेक्स्ट फाइव मिनट्स वापस इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़े इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आपको लिंक ना मिले तो आस्क बी एस आर डॉट कॉम स्लैश लाइव इस चैनल पे चले जाएं और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा सफलता कैसे मिल सकती है सिग्नेचर के एनालिसिस से उसके बारे में आप सीखेंगे और हैंडराइटिंग से और न्यूमरोलो सॉरी क्या कहते क्या हैं ग्राफोलॉजी से ये आप इस प्रोग्राम में सीखेंगे दोस्तों और एक और आखिरी चीज आप सभी को ये प्रोग्राम अब समापन होने वाला है कल आलोक केसरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही पावरफुल स्पीकर है वो बहुत ही हम्बल पर्सन है वो भी काफी आपको सारी चीजें बताएंगे बहुत मजा आएगा तो कल शाम को साढ़े सात बजे और परसों इसका समापन समारोह है आप में से हर एक आदमी उसके साथ जुड़े इट विल बी अ ग्रैंड ग्रैंड सक्सेस दोस्तों मजा आ जाएगा ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल लव दिस शो एंड यू हैव ऑलरेडी बीन लविंग अब तो हम जर्नी खत्म करने के उस पर हैं लेकिन जर्नी खत्म नहीं होगी ये जर्नी फिर से शुरू होगी 28 दिन के बाद जब ये 28 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो नई दिशा चालू होगी नई नई क्या कहते हैं जिंदगी आपकी भी चालू होगी और मेरी भी चालू होगी इन 28 दिनों में मैं भी जितनी भी, भी बोली है अब बहुत बड़ा सोचेगा इंडिया क्योंकि सोचने से भी मिराकल होते हैं मिराकल मैजिक प्रकृति में है जैसा हर्षवर्धन सर ने कहा मैजिक प्रकृति के हर एक चीज में है जादू है दोस्तों जादू है आइए दोस्तों चलते हैं इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं थैंक यू सो मच सी यू टुमारो इवनिंग शार्प एट सेवन थर्टी पी एम लेकिन उसके पहले आप पंद्रह मिनट में यहीं जुड़े सॉरी अगले दो मिनट में